Thank you.
हरे कृष्णा। कल का कथा कोई सुना सकता है? कल का कथा कुछ तो कई बार काली जी कथा है कहीं देखी जा सी श्यामानंद नवीन बोलो कुछ माइक दे अरे श्यामानंद कहाँ गए श्यामानंद श्यामानंद श्रृंगार कर रहे ओम अज्ञान निवृत्तस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्रीगुरवे नमः। अच्छा काम कर दो। नमो विष्णु पादाय आराधिकाय प्रियपने शिष्यमात्रे वेदांत नारायण गोस्वामिनामिने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तुतश शिष्यमत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दलों की भक्ति अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम है। उपस्थित समस्त ब्रह्मचारीगण के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम एवं समस्त वैष्णवी एवं वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम। आज वर्ष समाप्ति की ओर जा रहा है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो हमने सोचा गुरुदेव का आदेश भी हुआ कि कुछ इधर उत्सव हो जाए, तो इस उपलक्ष्य में यहाँ पर सुंदर नाट्य लीला होने जा रही है और सुंदर कथा कीर्तन और नाट्य लीला के साथ जब कोई भी उत्सव मनाया जाता है तो उसके आनंद की सीमा नहीं रह जाती। अभी चैतन्य महाप्रभु की सुंदर सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे हम बीच में, अभी हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु गया गए अपने पिताश्री का पिंडदान करने के बहाने और किस प्रकार से गुरुकरण किया जाता है, वह दर्शन कराया और गुरु निष्ठा किस प्रकार से होनी चाहिए वह दर्शाई। गया में जाके श्री विष्णु चरण चिन्ह विष्णु पद के चरण के कोटि कोटि दंड प्रणाम करके पूजा पिंडदान करके स्नान आदि करके वह जैसे ही उठे तो श्री ईश्वरपुरी पाद जी का दर्शन हुआ, उनके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम किया। जैसे ही उठे उन्होंने आलिंगन किया और दोनों की आंखें अश्रुपूरित एक दूसरे का आलिंगन करके एक दूसरे को अपने अश्रुओं से स्नान कराते हुए बहुत देर तक आलिंगन इस प्रकार से बाह्य दशा को भूल गए, अंत आनंद दशा को ग्रहण करते हुए आलिंगन इतना प्रगाढ़ स्नान करा रहे हैं। और जब चेतना अवस्था आई तो महाप्रभु बोले कि आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है कि मुझे ऐसे महासंत गुरु रूप में दर्शन दे रहे हैं, कृपा करके मुझे आप हरिनाम दीक्षा दीजिए, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। तो देखो ईश्वरपुरी पाद दर्शन करके, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण नहीं, साक्षात राधा कृष्ण के सुविलित विग्रह, उनका दर्शन प्राप्त करके महाप्रभु के गुरुदेव ईश्वरपुरी पाद दर्शन कर रहे हैं, ये और कोई नहीं मेरे साध्य वस्तु श्री राधा कृष्ण ही हैं। और उनका जो महाप्रभु का निवेदन है उसको निवेदन ना मान करके आदेश मान रहे हैं कि ये साक्षात मेरे ठाकुर जी मुझे आदेश दे रहे हैं। इस कारण से ईश्वरपुरी पाद कह रहे हैं अरे महाप्रभु आप सिर्फ हरिनाम मांग रहे हैं, आप कहें तुम अपने प्राणों को आपके चरणों में न्योछावर करो। और ये कह करके उनको आलिंगन फिर से किया, प्रगाढ़ आलिंगन उनको
बिठाया और सुंदर कान में हरिनाम दीक्षा प्रदान की। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां से ये भगवान होते हुए भी वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि ये राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है ही, परंतु यदि कोई अन्य सीताराम या नरसिंह भगवान या विष्णु भगवान इनकी भी साधना करता है तो उसे भी गुरुकरण करना होगा। अर्थात गुरुकरण प्रथम नियम है, तुम्हें दीक्षा ग्रहण की है, उसके बाद अपने गुरुदेव की किस प्रकार से सेवा की है वो दर्शाया। महाप्रभु ने वहीं पर गया में सुंदर रसोई रंधन की और अपने गुरुदेव को सुंदर ठाकुर जी का भोग लगा के महाप्रसाद पवाया। महाप्रसाद पाकर के इतना आनंद की अनुभूति हुई ईश्वर प्रिपाद को कि प्रसाद पा रहे हैं पूरा, उनका रोम रोम राधा कृष्ण से प्लावित हो रहा है और वो पाकर के पूर्ण तरीके से फिर से आलिंगन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे गुरुदेव आप बस आशीर्वाद दीजिए, मुझे बार बार स्पर्श नहीं कीजिए, मैं इस लायक नहीं कि मुझे आप बार बार कहकर के वहां से विदा ले रहे हैं। लेकिन दोनों महानुभाव एक दूसरे को त्यागना नहीं चाहते, उसके उपरांत वहां से चले हैं। हरिनाम से पहले निमाय पंडित बड़े नटखट थे, जैसे कृष्ण नटखट थे ना ब्रज के अंदर, ऐसे निमाय पंडित महानटखट, लेकिन दीक्षा प्राप्त करने के बाद पूर्णता गंभीर हरि नाम करते करते वहां से चले और इतने गंभीर हो गए, नटखटता पूरी खत्म और पग पग पर उन्हें गुरुदेव का दर्शन हो रहा है। देखो दीक्षा का अर्थ यही है, जो दिव्य ज्ञान के साथ अनुभूति प्रदान करे वह दीक्षा, और वो दीक्षा ग्रहण करके जब पग पग चल रहे तो अपने गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं, और चलते चलते बीच में कुमारहट नामक ग्राम पहुंचे जो ईश्वर प्रिपाद जी का ही ग्राम था। वहां जाकर के उस ग्राम में उनके पूर्व आश्रम में जाके प्रणाम किया है और वह प्रणाम करते ही अश्रुपूरित हो गए, उठ नहीं पा रहे कि मेरे गुरुदेव ने यहाँ पर पूर्व आश्रम में लीला की होगी। कितना आनंद, और वहां की मिट्टी को उन्होंने अपने शीश पर लगाया, उसको मुंह से लगा करके अपनी पोटली में बांध दिया। ये महाप्रभु ने दर्शाया, इसे कहते हैं गुरु निष्ठा। वहां से चले हैं, वो सारी लीला हमने पहले सुनाई, अब सन्यास की लीला हमने सुना दी थी, उसके आगे की अब थोड़ा सा जो आपने शायद ना सुनी उसको सुनाने का चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, गुरुदेव कृपा करें। एक बार पुरी से वृंदावन आए महाप्रभु, और महाप्रभु जब वापस वृंदावन से पुरी की ओर जाने लगे तो रास्ते में उनको कहीं पर भी ऐसा भाव हो जाता, क्योंकि अब कैसे होते हैं राधा रानी के भाव में विभावित होकर के हा कृष्ण हे कृष्ण करते हुए दौड़ने लग जाते हैं, पीछे पीछे जो भक्त हैं वो उनको पकड़ने के लिए कहीं चोट ना लग जाए इसलिए भागते हैं, और ऐसे अचेत अवस्था में गिर पड़ते हैं कि उनको भाई अवस्था रहती नहीं, घंटों घंटों अंतर दशा में चले जाते हैं। हरिनाम करते करते कई बार उनका ऐसा भाव प्रकाशित होता है और मुंह से फेन निकलने लग जाते हैं, झाग निकलने जाते हैं, सब लोग अचंभित हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। वहां पर एक बार ऐसा ही हुआ, वो इस प्रकार से अचेत अवस्था में लेट गए और उनके जो शिष्य हैं उनके चारों इर्द गिर्द उनको बाह्य अवस्था में लाने की चेष्टा कर रहे हैं, हरिनाम करते हैं, कोई चरण दबाता है, कोई हाथ को मलता है, इस प्रकार से। तभी वहां पर 10-12 पठान आए घुड़सवार, और वहां आकर के देखा, उस समय जो है मुगलों का ही शासन था, तो उन्होंने देखा कि ये लोग जो आसपास खड़े हैं और एक सुंदर सा एक सन्यासी लेटा हुआ है, हो ना हो इन्होंने इसको धतूरा खिला करके बेहोश कर दिया, इसको लूटने का प्रयास किया। तो उन्होंने जाकर के एकदम से उनको कड़क आवाज में कहा, उनका जो सरदार था उसका नाम था बिजली खान ने कहा, अरे दुष्टो तुमने ये क्या किया, इस सीधे सरल संत को तुमने ठग लिया, इसको धतूरा खिलाया, इसका जो है
जो भी इसका धन था तुमने चुरा लिया। तो एकदम से सब घबरा गए कि ये पठान लोग हैं और कहीं ऐसा ना हो हमारे महाप्रभु का कुछ अनिष्ट कर दें। उन्होंने सत्य सत्य बात बताई, नहीं ऐसा नहीं है, इनको अब ये तो नहीं बता सकते कि इनको क्या हुआ, क्योंकि समझ भी नहीं पाएंगे कि हरिनाम की इतनी मस्ती, इतना आनंद आता है कि आत्म विभोर होकर के इस प्रकार से महाप्रभु सब कुछ भूल जाते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, इनको मिर्गी का दौरा पड़ता है कभी कभार और इस अवस्था में चले जाते हैं। तो नहीं, तुम झूठ बोलते हो, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। तो वहां पर एक उनका जो वृंदावन से जब चले थे तो एक शिष्य बना था, नाम था कृष्णदास, वो वहीं के आसपास के क्षेत्र का था और वो क्षत्रिय जाति से था। एकदम से वो कड़क के बोला, मैं इसी क्षेत्र का हूं, अभी आवाज लगाऊंगा तो घर घर से घुड़सवार जो हमारे क्षत्रिय भाई आ जाएंगे और तुम सबको जो है वध कर देंगे। तो तब बिजली खान थोड़ा चुप हुआ और वहां पर महाप्रभु के पास जब ये सारा संवाद हो रहा था तो महाप्रभु को अचानक से भाई अवस्था हुई, उठे और उठ करके जब कीर्तन प्रारंभ किया भक्तों ने और जब वो स्वस्थ हुए तो पूछा क्या बात थी सन्यासीगण, आप बताएं। तो उन्होंने बताया कि देखो हम तो हरिनाम करते हैं, आप लोग भी हरिनाम कीजिए। चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव, चैतन्य महाप्रभु का तेज और चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुन करके वो बिजली खान तुरंत उनके चरणों में लोटपोट हो गया। उसने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया और महाप्रभु ने बोला बोलो हरि बोल, हरि बोल, वो हरि बोल बोलने लगा। एक मौलवी था उनके साथ, उस मौलवी को समझाया, उस मौलवी ने बड़ी बड़ी बातें करी, कुरानों की बातें करी, उनको समस्त कुरानों की बातों से ही सत्य की प्रतिष्ठा बताई कि देखो राधा कृष्ण से बढ़कर परमेश्वर कोई नहीं, तुम सब जो है हरे कृष्ण महामंत्र ग्रहण करो और हमेशा हरिनाम करो। तो उन सब पठानों को, बिजली खान और मौलवी तक को उन्होंने हरिनाम दीक्षा प्रदान करके वैष्णव बना दिया। बोलो महाप्रभु की जय। ऐसे ही एक बार जब महाप्रभु पुरी जा रहे थे, दंड खंडन की कथा हमने श्रवण की थी, किस प्रकार से उन्होंने दंड को भंजन किया, किसे तोड़ा। उसी समय आगे चलकर उससे पहले भक्तों को संग लिए वो जा रहे थे तो एक धोबी कपड़े धो रहा था। कपड़े जब धो रहा था तो महाप्रभु हरिनाम करते करते वहां पहुंचे, एकदम से आगे धोबी आ गया। अभी तक महाप्रभु को नहीं पता था आगे क्या, तो एकदम आंख खोली देखा कि एक धोबी कपड़े धो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई हरि बोल बोलो। तो महाप्रभु इतना प्रेम में हमेशा अपने आप को निमग्न रखते थे, अगर आंख खोलते जो भी जीव नजर आता उसको हरिबोल बुलवा देते। तो उसने देखा कि एक महान संत इतना प्रकाश और मुझसे कह रहे हैं हरिबोल। तो उन्होंने बोला बाबा आप क्या चाहते हो, अगर मैं ये हरिबोल ना बोल के आपकी कुछ सेवा कर दूं तो शायद मेरा ज्यादा उपकार होगा। पर नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, हरिबोल बोलो। तो उन्होंने बोला नहीं, मन ही मन सोच रहा है धोबी यदि मैं हरिबोल बोलूंगा तो ये कुछ और करने को कहेंगे और फिर मुझे धीरे धीरे क्या बना देंगे, बाबा बना देंगे, और बाबा बनूंगा तो मैं कपड़े कैसे धोऊंगा, और कपड़े नहीं धुलेंगे तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। तो ये सोचने लगा, अरे बाबा ये हरिबोल और इस तरीके का कार्य छोड़ करके कुछ भी कार्य करवा लीजिए, आपके कपड़े का हो तो मैं धो दूं। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम एक बार हरिबोल बोलो। अब तो महाप्रभु ने बिल्कुल समीप आपके जब बोला तो जैसे ही स्पर्श किया धोबी का, धोबी एकदम जो है सम्मोहित हो गया और देख करके बोलने लगा हरि बोल। एक बार जब हरि बोल बोला तो महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया और आलिंगन जब किया तो वो तो क्रंदन करने लगा, क्रंदन करते करते जो जो से हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसे करते करते पागलों की तरह मनमस्त होकर नाचने लगा, हरि बोल करके बहुत नाचा। अब तो महाप्रभु अपना जो है मंत्र, अपनी जो शक्ति संचारित करके आगे बढ़ चले, आगे बढ़ चले तो पीछे पीछे जो भक्त आ रहे थे वो तो उनके आश्चर्यजनक लीला को देख करके मदमस्त हो जाते, कह देखो अब क्या होगा, वो बैठ गए। महाप्रभु आगे चले गए, उनके जो पीछे आ रहे थे भक्त वो बैठ गए। थोड़ी देर में धोबन आई, धोबन ने कहा इनको क्या हो गया, पहले तो हंसी ये क्या नाच रहे हैं, क्या आज काम धाम नहीं करना है क्या।
बोले वो कुछ नहीं बोल रहे, बस हरी बोल हरी बोल कर नाच रहे। वो कहने लगी कि देखो ये बहुत हो गया नाचना गाना, अब अपना काम कर लो। तो लेकिन वो तो बिल्कुल बावला होकर नाच रहा है पूरी तरह से। तो यहाँ पर धोबिन घबरा गई, इसको भूत चढ़ गया। और भूत चढ़ा तो वो वापस गई गाँव वालों को बुला के लाई कि देखो देखो इनको कुछ भूत चढ़ गया। तो सारे गाँव वाले आए और देखा भैया तुम अपने कपड़े धो लो, क्या कर रहे हो ये सब हरी बोल कर रहे हो। तो एक ने जाके समझाने की जैसी चेष्टा की, स्पर्श किया, वो स्पर्श में ऐसा मंत्र की शक्ति दी कि वो भी हरी बोल करके नाचने लगा और खूब नृत्य करने लगा। ऐसे करते करते एक दूसरे का स्पर्श हुआ, सारा गांव हरी बोल करके नृत्य करने लगा। देखो इस मंत्र में इतनी शक्ति है, यदि हम सही प्रकार से इसकी शक्ति को जान करके निष्ठा से सच्चे मन से यदि हरिनाम करेंगे तो निश्चित तौर से हम एक दूसरे को स्पर्श करते हुए ऐसे करंट प्रवाह धारा से नृत्य कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारी इच्छा ही नहीं, तो स्विच को बंद कर रखा। अब गुरुदेव आए हैं, ये स्विच ऑन करते हैं बार बार, थोड़ी देर नृत्य करते हैं फिर डाउन हो जाता है। इसीलिए महाप्रभु की पूरी कृपा हम पे बढ़ से यही निवेदन करते हैं हम गुरुदेव से। धन्यवाद। गौर सुंदर कुछ बोल रहे, आ जा तुम कुछ बोलो, पाँच मिनट और हमारे श्यामानंद किस श्रृंगार कर रहे हैं, कहाँ ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मेरा अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। तदुपरांत यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। गुरुदेव ने आज्ञा दी है थोड़ी सी हरि कथा सुनाने के लिए। अभी उससे पहले पूज्यपाद नवीन प्रभु जी बड़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे बातें बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु के विषय में। चैतन्य महाप्रभु के विषय में अगर हम लोग जान गए तो समझो कि समस्त वेदों का सार हम लोग जान गए। सार हाँ, समस्त वेदों का सार क्या है? वेदांत सूत्र रूप में। वेदांत सूत्र का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम का सार है दशम स्कंद, उसमें भी विशेष करके ब्रज की लीला है। वो ब्रज की लीलाओं के अंदर में भी रास पंचायत है, उसके अंदर में भी राधा रानी का भाव। उसी भाव को लेकर के स्वयं जब कृष्ण इस धरा पर राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, जब वही चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव को लेकर के कृष्ण जब आ जाते हैं तो बड़े ही दयालु प्रेम पुरुषोत्तम। राम जी है कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कौन है? प्रेम पुरुषोत्तम। तो सारे जगत को कोई योग्यता नहीं देखते, जैसे बताया ना एक बार महामंत्र बोल देने से, एक बार हरि बोल देने से जो क्या दे देते हैं? प्रेम दान देवमेव नौमि गौर सुंदरम। ये भक्ति रक्षा श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर ये लिखा। जब झारखंड के जंगलों से आए ना महाप्रभु, जब वृंदावन के लिए आ रहे हैं तो झारखंड के जंगलों में शेर सांप जो सामने आता है उसको प्रेम दान दे देते हैं। शेर को छूते पैर लगता है तो शेर काटता नहीं है, दहाड़ता नहीं है, शेर क्या करता है? महामंत्र करता है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। और प्रभु जी ने अंत में एक बहुत अच्छी बात बताई, जब गुरु जी आते हैं साधु के संग से हमें क्या लगता है? हमारे अंदर करंट आ जाता है। क्या जाता है? करंट आ जाता है। एक करंट का साक्षात उदाहरण कौन है? देखो आपके सामने विग्रह है जगन्नाथ बलदेव और बीच में कौन है? सुभद्रा। सुभद्रा जी तो ब्रज में नहीं गई, सुभद्रा जी तो हमेशा इधर रही अपने पिताजी वासुदेव जी के पास में। फिर सुभद्रा जी का ऐसा क्यों हुआ विग्रह?
हाँ, कृष्ण और बलराम को जब ब्रज की याद आई तो वो तो ब्रज की याद में उनका शरीर पिघलने लगा और ऐसा रूप बन गया ठाकुर जी का है। लेकिन सुभद्रा जी तो नहीं गए, लेकिन उन दोनों के बीच में बैठने के कारण दोनों भाइयों का जो भाव है उनमें भी संचारित हो रहा और वो भी प्रेम में पिघल करके ऐसा रूप हो गया। इसलिए बताया संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए अगर हम संतों के संग में रहेंगे ना तो हम बिना बात के ही बिना प्रयास के ही हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, जो हम सोच नहीं सकते बहुत बड़ा काम हमारा हो जाएगा। और आज क्या है साल का आखिरी दिन, ये जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज आखिरी दिन है, चलो हम भी मान लेते हैं कि आज आखिरी दिन है, तो हमें क्या करना चाहिए संतों की, और कल कौन सा दिन है पहला दिन, तो हमें क्या करना चाहिए जब भी कोई नई चीज शुरू करनी चाहिए तो गुरुवर्गों का नाम लेकर के, ठाकुर जी का नाम लेकर के, हाँ संतों का नाम लेकर के, बड़े बड़े जो संत हुए उनका नाम लेकर के हमें जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे ना वो कार्य क्या होगा हमेशा सफल ही होगा। इसलिए प्रभु जी ने आज तो पूरे वेदों का सार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता दिया, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं भी एक संत के विषय में थोड़ा बता देता हूँ जिसके अंदर हमें पता चलेगा नाम की क्या महिमा है, गुरु जी की क्या महिमा है और साधु संघ की क्या महिमा है और भक्त को कैसा होना चाहिए किस कथा के माध्यम से। उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी जी ने एक श्लोक बताया, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्ति। ये जो श्लोक में बताया उत्साह निश्चयात और धैर्य, जो लोग भक्ति करते हैं भगवान का भजन करते हैं उन्हें क्या हमेशा होना चाहिए उत्साह, क्या होना चाहिए उत्साह, कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। निश्चय निश्चया निश्चय क्या होना चाहिए कि अवश्य भगवान हमें मिलेंगे, हमें भगवान की अनुभूति होगी, अवश्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम सद परंपरा में है, सही गुरु के पास में, हमें तो क्यों नहीं मिलेगा। फिर तीसरा क्या बताया, धैर्य, क्या होना चाहिए धैर्य होना चाहिए। अब ये तीनों गुण कैसे होने चाहिए अब हमें कथा के माध्यम से सुनते हैं। जो ये कथा है ये और किसी की कथा नहीं, ये कथा रामायण के अंदर में माता शबरी की कथा है। किसी कथा है, आप सबने शबरी जी का नाम सुना है ना, माता शबरी की कथा जल्दी जल्दी मैं सुना देता हूँ, बाद में जो सार सार बात बाद में जल्दी 5 मिनट में। शबरी जी जब छोटी थी हाँ, उनका शबर कुल में जन्म हुआ, माने भील जाति जैसे जन्म हुआ, और जब बहुत छोटी होने पर उनके जो जहाँ जंगलों में जहाँ रहते थे वहाँ ये परंपरा थी जब बेटी की शादी होगी तो जानवरों की बलि देंगे। जब शबरी माँ ने देखा कि ये जानवरों की बलि, और वैष्णव कैसे होते हैं दयालु होते, क्या होते हैं हर जीव पर उनकी दया होती, उन्हें देखा नहीं मेरे कारण इतने सारे जीवों की हत्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उन्हें पिताजी को मना किया, लेकिन पिताजी बोले नहीं हमारा तो भाई नियम ही है करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, रात में घर छोड़ करके वहां से भाग गए। घर छोड़ करके भागते 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 जंगलों में आते आते एक मतंग मुनि का आश्रम, पंपा सरोवर के किनारे, वहां मतंग मुनि के आश्रम में जाकर के उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर आश्रम है जिसमें गुरु जी रहते हैं, रोज शाम को कथा होती है, प्रसाद होता है, बड़े सुंदर सुंदर शिष्य हैं, कथा सुनाते हैं, हैं? जैसे यहाँ पर भी तो ऐसा ही है कि नहीं है ऐसा, गुरु जी है, ठाकुर जी का मंदिर है, रोज रोज कथा होती है ना, सब शिष्य लोग कथा सुनते हैं सुनाते, वहां पर भी ऐसा ही था। जो शबरी ने ये देखा तो बोले कितना सुंदर आश्रम है, उसका भी मन किया कि मैं भी जाऊं, लेकिन जाति से क्या नहीं जाने में संकोच किया। फिर बोले मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, मठ में तो मंदिर में तो जा नहीं सकती, तो क्या सेवा कर सकती हूँ, बोला मैं लकड़ी काट के रख सकती हूँ, मैं रास्ता साफ कर सकती हूँ। तो जो आश्रम से लेकर के जो सरोवर तक, पहले सब सरोवर में नहाने जाते थे, आश्रम से सरोवर तक के स्थान को झाड़ू लगा दिया करती थी, जंगल से लकड़ी काट करके आश्रम के बाहर रख जाती, जो सेवक लकड़ी काटने जाते वो बोलते अरे वाह कटी कटाई लकड़ी मिल गई, बस जलाओ काम हो गया, पर ये नहीं सोचा कि कहां से आ रही है। लेकिन जो गुरु जी थे मतंग मुनि, वो सोचे कि ये छिप करके सेवा कौन कर रहा है, ठाकुर जी की सेवा जो करता है ना वो अमोघ बाण है, जैसे राम जी के जो तुनीर से बाण निकल के जो चल गया धनुष पे से फिर वो वापस नहीं आते, तो सेवा करी ना तो फल वो देकर के ही रहेगा, फल मिलेगा ही मिलेगा। गुरु जी ने देखा बिना सेवा बिना बताइए कौन सेवा कर रहा है, गुरु जी रात में जागे, जा करके देखा तो जंगल के अंदर से एक लड़की रात में आई और उसने लकड़ी रखी, बोला ए कौन रुक जाओ कौन हो तुम, उसने बताया मेरा नाम शबरी है, डर गई बिचारी, गुरु जी है ना सामने डर गई भय, बोला गुरु जी मेरा नाम शबरी है,
बोला यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में, तुम्हें डर नहीं लगता? बोला मैं तो जंगल में रहने वाले हम तो हैं, और मुझे अच्छा लगता आपका आश्रम देख करके, मेरा भी मन करता है मैं कुछ सेवा करूं, तो मैं ये लकड़ी रख देती हूँ, थोड़ा सा ये रास्ता साफ कर देती हूँ। गुरु जी बड़े प्रसन्न हो गए, अरे वाह इसकी क्या निष्ठा है साधु सेवा में, बड़े प्रसन्न हो गए गुरुदेव। गुरु जी ने बोला अच्छा अच्छी बात है, तुम अब रोज से आश्रम में आना और ये जो सेवा तुम करती हो करती रहना, और पीछे बैठ करके हरी कथा भी तुम सुनना। अब सभी ने हरी कथा सुननी चालू कर दी। लेकिन जो आश्रम के अंदर जो बड़े बड़े जो पंडित थे जो गुरु जी के पास आते थे, बड़े उच्च कुल वाले, उनको ये अभिमान था कि हम उच्च कुल के हैं और शबरी क्या है निम्न जाति की, तो उनको शबरी के चरणों में अपराध था। लेकिन जो शबरी जी थी ना, उनकी पूर्ण निष्ठा थी गुरु के वाक्य में। क्या थी? पूर्ण निष्ठा थी। जो एक जब क्या हुआ, मदन मोहन जी का जब जाने का समय, सृष्टि धराधाम से जब जाने का समय आया, उन्होंने सभी शिष्यों को बोला सर तुम लोग यही रहना, इस आश्रम को छोड़ के कभी जाना मत, यहाँ पे कौन आएंगे एक दिन, स्वयं राम यहाँ पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ जरूर आएंगे। लेकिन गुरु जी के जाते के साथ पूरा आश्रम भी खाली हो गया, लेकिन कौन रह गया आश्रम के अंदर? शबरी रह गया, केवल शबरी। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु ने जो वाक्य बोला आश्रम छोड़ के कभी मत जाना, वो सबको बोला था और शबरी जी को भी बोला था, बेटी तू आश्रम छोड़ के मत जाना, एक दिन राम आएंगे। बस उसने तो बस मान लिया, गांठ बांध ली, बांध करके बैठ गई। गुरु जी चले गए। अब शबरी बोली गुरु जी तो चले गए, राम जी आएंगे, पर अब कब आएंगे तो बताया ही नहीं, एक दिन आएंगे, एक दिन माने कल तो नहीं आ जाएंगे कहीं। तो शबरी सुबेरे सुबेरे उठ करके जा करके फूल ला करके जंगल से, और सुंदर 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 फूलों से आश्रम से लेकर जो राजमार्ग तक का जो रास्ता होता है ना, उसमें सुंदर 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 पुष्पों को बिछा देते कि राम आएंगे तो उनके चरणों में कहीं कांटा नहीं लग जाए, है ना। और जंगल से सुंदर सुंदर जो फल होते थे उनको चख करके लेकर आती थी। क्यों? क्योंकि राम को देंगे तो कैसे होने चाहिए, मीठे होने। देखो ये भी नहीं पता है कि सूटा सच्चा क्या होता है, इतनी भक्ति है। लेकिन क्या हुआ, ये करते करते एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, कितने साल मानो बीत गए, लेकिन शबरी का उत्साह कम नहीं हुआ। रोज शाम को इंतजार करती कि राम आएंगे आएंगे, आ तो नहीं गए, देखा आज तो नहीं आए, आज नहीं आए, हो सकता है कल आएंगे। कल वही सुबह उठना, फूल बिछाना, फल लाना, रोज का यही काम करते करते पद्म पुराण में बताया 10,000 साल इंतजार किया। कितने साल? 10,000 साल, क्योंकि पहले आयु तो इतनी होती थी, 10,000 साल इंतजार किया। लेकिन फल क्या हुआ, एक दिन सचमुच में राम जी लक्ष्मण जी के साथ में शबरी जी के आश्रम में आते, आकर के देखते हैं। शबरी देख करके बोलती है, बोला कि हटो मेरे रास्ते, खराब मत करो, मैंने फूल जमाए राम के लिए। बोला हम ही राम है। जब सुना हम ही राम है तो रोई, रोने लगी जोर जोर से कि गुरु जी ने बोला था एक दिन राम अवश्य आएंगे। अभी राम जी के बारे में नहीं बोल रही है, किसके बारे में बोल रही है? गुरु जी के बारे में। क्यों? क्योंकि किसकी कृपा से राम मिले हैं? राम जी को बता रही है कि मेरे गुरुदेव ने बोला था कि आप जरूर आओगे, मुझे विश्वास था आप आओगे, और आप आ गए। तो देखो मेरे गुरुजी वहां रहते थे, वहां बैठ करके वो भजन करते थे, उनका ऐसा प्रताप था कि हिरण शेर एक ही घाट पानी पी लिया करते थे, ऐसा मेरे गुरुजी का प्रभाव था। यहाँ पूरे वन में फूल कभी मुरझाते नहीं थे, फल हमेशा मीठे होते थे। जब राम जी सुन रहे तो मुस्कुरा रहे हैं देख करके, देखो कितनी बोली है, सब जानते हुए भी मुझे बता रही है। और जब समय आया, उन्होंने जो एक मैसेज देना था कि आपको आगे जा करके सुग्रीव से मिलना है ऋषिमुख पर्वत पे, ये मैसेज देने के लिए शबरी जी वहां पे रुकी हुई थी। शबरी कोई साधारण नहीं थी, लेकिन हमें शिक्षा दे रहे हैं कि साधक को कैसा होना चाहिए। राम अवश्य आएंगे, निश्चय है, धैर्य। कितने साल इंतजार किया? उत्साह, रोज उतने उत्साह के साथ में सेवा करते। ये तीन चीज हो गई कि नहीं हो गई एक साधक के अंदर में। अब जब जाने का समय आया तो प्रभु बोले कि अब हमें आज्ञा दो माँ शबरी, हम जाएं। और जब और उसके पहले जो शबरी जी ने जो बेर खिलाया ना राम जी को, जो बेर खिलाया, बेर खाते के साथ में राम जी बोल रहे हैं ये जो तुमने मुझे झूठे बेर खिलाया ना, ये कोई साधारण नहीं है। बोला इसमें जो स्वाद है ना, जो माँ कौशल्या मेरे को खिलाती है अयोध्या में, उसमें इतना स्वाद नहीं है। और जो बैकुंठ के अंदर जो लक्ष्मियां, सहस्त्र लक्ष्मियां जो मेरे को खिलाती हैं, उसमें भी ये स्वाद नहीं है। तो सूरदास जी ने जो पद लिखा है ना, झूठे फल शबरी के खाए, बहु विधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जात पात सब छूट गई, सबसे ऊंची क्या हो गई? प्रेम सगाई। और वहां पे अब जब जाने का समय हुआ तो राम जी बोल रहे माँ अब हमें आज्ञा दो हम जाएं। शबरी जी बोलती नहीं आप पहले मुझे आज्ञा दो, आपसे पहले मेरे जाने का समय है गुरु जी के पास। उससे भी पहले मेरे गुरु जी ने कहा था तुम जब राम आएंगे तुमसे नवदा भक्ति का उपदेश ले लेना। ये हमारे लिए क्या? हमारे लिए ये नवदा भक्ति। राम जी उनको बोला कि मुझे उपदेश दो, तो राम जी बोले ठीक है मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो और आप लोग भी सावधान होकर के सुनो। राम जी कहते हैं नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर्मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति प्रभु निज गुण, छोड़ कपट निज गान। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा। चढ़दम शील विरति बहु कर्मा, जपत निरंतर सज्जन धर्मा। साथ वसद मोहे मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवा जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखा ही पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, हरि भरसे यह हर्ष न दीना। नवदा भक्ति शबरी कह दीनी, सादर शबरी शीश धर लीनी। क्या बताया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सबसे पहले चेष्टा क्या करनी चाहिए? साधु का संग कर। दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, दूसरा क्या करो? मेरी कथा जा करके सुनो, किसी का दोष मत देखो। और इसमें सबसे जरूरी क्या बताया? मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप, कौन सा मंत्र जाप? हरे कृष्ण ये जाप। इससे क्या हुआ? सभी ने तो यही सब किया था, लेकिन अंत में भगवान से क्यों पूछा? ताकि स्टैंप लग जाए भक्तों को क्या करना चाहिए। अंत में क्या हुआ? तुलसीदास जी कह रहे हैं जातिहीन अद जन्म ही, मुक्त की ही असिनारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। तुलसीदास जी कहते जातिहीन अद जन्म ही, जाति से भी हीन, जन्म भी अधम कुल में हुआ, मुक्त की नहीं ऐसी नारी। भगवान ने ऐसी नारी को भी अपने धाम में गति दे दी। महामंद मन सुख चाहसी, लेकिन ये हमारा मन इतना दुष्ट है, ये ऐसे प्रभु को चाहता है, ये सुख चाहता है ऐसे प्रभु को छोड़ करके। क्या राम को छोड़ करके सुख मिल सकता है? कभी भी सुख नहीं मिलेगा, बिना भगवान की भक्ति के सुख कभी भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए यही बोल करके और इसी बात को भागवत के अंदर ये जो श्लोक लिखा है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, यही श्लोक श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन आत्मनिवेदन। जैसे बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया, रख दिया ना, बोला तीसरा पैर कहाँ रख दो? मेरे शीश पर रख दो। ऐसे करते करते यही भक्तों को करना है। इसलिए नया साल आ रहा है, हमें भी ये कुछ ना कुछ संकल्प लेना चाहिए, है ना? न्यू ईयर रेजोल्यूशन सब लोग करते हैं ना, नया साल होगा तो हम ये छोड़ देंगे और कुछ पकड़ लेंगे। इसलिए छोड़ देना क्या है? किसी की निंदा कभी नहीं करना है। और करना क्या है? साधु का संग करना है, भगवान की सेवा करनी है, हरिनाम करना है। आप लोग मुझे भी आशीर्वाद दो कि मैं भी अगले साल ये सब ठीक ठीक रूप में कर पाऊँ, ये बोल करके अपनी वाणी को जाएंगे। ये बच्चों लोगों का श्रृंगार हो गया कि नहीं? हाँ, उनको बोल दो जब उनका हो जाए ना हमको सूचित कर दे। हरे कृष्ण। हाँ, एक मिनट कीर्तन कर दो। देखो पहला साल में हम जो करेंगे ना वो सारा जीवन भी वही करते रहेंगे। इसलिए पहला साल में क्या करो, भगवान का कीर्तन करो, जैसे सारा जीवन हम भगवान की कीर्तन ही करते रहे, ठाकुर जी का नाम ही करते रहे। और सारे शास्त्र का जो निचोड़ है भगवान का नाम ही, सारे शास्त्र का निचोड़ भगवान की नाम है। ठीक है, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे।
हमारे श्री भक्त विनोद ठाकुर एक बड़ा सुंदर कीर्तन लिखते हैं। आप लोग थोड़े थोड़े आगे आगे आ जाओगे, पीछे किसी बैठे सब आगे आगे आ जाओ, जो पीछे आए वो पीछे बैठे, जो आगे आए वो आगे, और एकदम पास मतलब एकदम पास फटक कर बैठ जाओ। हो गया, हरे कृष्ण हरि बोल। श्री भक्त विनोद ठाकुर हरे कृष्ण, भक्त विनोद ठाकुर एक सुंदर कीर्तन करते हैं। वो कहते हैं, उदित तपन हैले अस्त, दीन गेलवली है वे व्यस्त, तबे केन वे अलस होए, नाभज हृदय राजे। हाँ ध्यान देकर सुनो, श्री भक्त विनोद ठाकुर क्या कहते हैं। अभी पुराना साल चला गया, अभी नया साल की प्रारंभ हुई है, इसलिए कहते उदित तपन हैले अस्त। जब सूरज अस्त हो जाता है हम क्या कहते हैं, आज का दिन चला गया, आज का दिन चला गया। दिन गेलवली है वे व्यस्त हो गया, आज दिन तो खत्म हो गया। तब कहते तबे केना वे अलस होए, नाभज हृदय राजे। फिर ये अलसता होकर के भगवान की भजन क्यों नहीं करते हैं। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, ये जो सूरज हम देख रहे हैं, ये सूरज ये काल है। ये सूरज क्या है, ये काल है। जब ये पूर्व दिशा में उदय हो करके ये पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं, कहते एक दिन ये काल ने हमारे समय को नष्ट कर दिया। कहते ये सभी का समय तो ये काल नष्ट कर रहा है, लेकिन किसका समय को ये काल नष्ट नहीं कर सकता है। बोले तस्रिते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वर्तया। जो व्यक्ति भगवान की भजन करते हैं, भगवान की कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, कहते काल केवल उन्हीं की समय को ही नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन और सबका समय को ये नष्ट कर रहा है, हैं? इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं, भैया धीरे धीरे जो सूरज है हमारे काल को नष्ट कर रहा है, इसलिए समय को नष्ट नहीं करते हुए क्या करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो, हैं? क्योंकि जो समय है वो बहुत कम है। देखो एक सेठ थे जिनका नाम था लाला बाबू। क्या नाम था, लाला बाबू। देखो इनकी कथा सुनो, ये जो लाला बाबू थे ये बंगाल में एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति, अरब खरब पति थे। अभी धीरे धीरे उम्र होते जा रहा है, एक समय वो छत के ऊपर में खड़े हुए थे। पहले फेरी वाला होते थे ना, घर घर में जाकर गांव गांव के फेरी का काम करते थे, सामान को देते थे। वो फेरी वाला जाते समय लाला बाबू कुछ सामान देकर गया था, बोले लाला बाबू वापस जाते समय पैसा ले जाओ, क्योंकि कोई बात नहीं, जाते समय पैसा ले। वो भी छत में खड़े हुए। अभी उसी समय में सूर्य ठीक डूब रहा है, सूरज डूब रहा है, और वो फेरी वाला आ गया, बोले लाला बाबू बेला गेलो, मतलब समय चला गया, सूरज अस्त होते जा रहा है, अभी हमें बहुत दूर जाना है, समय कम है, जल्दी जल्दी हमें पैसा दो। देखो उन्होंने तो एक भाव से बोले, लेकिन लाला बाबू ने एक सामने क्या कर रहे, इसलिए लाला बाबू ने इस चीज को उन्होंने दूसरे रूप में ग्रहण किया। बोले सूरज डूब रहा है, मतलब ये जो जीवन रूपी जो सूरज है धीरे 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 ये डूबते जा रहा है, हैं? और हमें जाना बड़े दूर तक, हमें जाना मतलब क्या है, ये भवसागर हमें पार करना पड़ेगा। कितना भवसागर, बोले जन्म मृत्यु का जो सागर, सागर मतलब समुद्र, जैसे समुद्र का कोई आर पार नहीं, कहते उसी तरह ये जीवन का भी कोई आर पार नहीं, ये जन्म मृत्यु का कोई आर पार नहीं है, हमें दूर जाना, लेकिन समय कम है, समय कम है, हमारे समय तो कम है ही ना। परीक्षित महाराज को तो ये पता था 7 दिन से पहले नहीं मरेगी, लेकिन हमारे पास में कोई गारंटी समय क्या है, इसको भजन करने के लिए बोलो ना, बल्कि हम बुढ़े हुए हैं, अभी से क्या भजन करेंगे, अभी कितना दिन पड़ा हुआ है, कर लेंगे एक दो माला सटका लेंगे, हैं? लेकिन कहते निश्वास नैव विश्वास कदा रूढ़ भविष्यति, ये निश्वास में कोई विश्वास नहीं, हमने जो श्वास छोड़ा है 2 बार भी श्वास ले पाएंगे, कोई बता सकते श्वास कोई ले पाएंगे, कोई नहीं बता सकते। इसलिए उनको बोले लाला बाबू बेला चला गया, इसलिए बड़े दूर जाना, जल्दी पैसा दो। देखो उनको जीवन में इतने धक्का लगा, बोले ये तो सही कह रहा है, ये जीवन रूपी सूरज डूबते जा रहा है,
कब खत्म हो जाएगा कोई पता ही नहीं। और जाना सचमुच से ठाकुर चरण तक जाना, और इसी मानव जन्म में ही हम भगवान तक पास भगवान तक हम पहुंच सकते हैं, और किसी जीवन में हम पहुंच नहीं सकते। ये तो बात सही बताया। वो बहुत बड़े जमींदार थे, अथाह संपत्ति का मालिक, बोले समय तो चलते हुए जा रहे, जल्दी जल्दी प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। और संसार ने उन्होंने क्या किया, छत को ऊपर से नीचे उतर कर कहा मेन रोड में, बोले और घर गृहस्थ नहीं, अभी सीधा मैं वृंदावन चलता हूं। मेन रोड में खड़े हुए सोच रहे हैं, कहते काम तो काम का कोई तो समाप्ति है नहीं, हम कितना कमाई कमाई मतलब क्या कम आई और आधा आना चाहिए, कितना कमाई करो कमाई करो, कम आई और ज्यादा आनी चाहिए। इसलिए इसका कोई भी ये जो पिपासा है ना, इसका कोई अंत नहीं, जितने कमाओ लगता है जैसे कम हुई है और ज्यादा कमाई चाहिए और ज्यादा कमाई करनी चाहिए, इसका कोई ठीक नहीं। जो पिपासा है आशा ये कभी समाप्त नहीं होता है। उदाहरण दिया जैसे आग में घी डालो, आग बुझ जाती है ना, आग बढ़ जाती है, आग बढ़ जाती है। क्योंकि उसी तरह जीवन में ये जो आशा है इसका कोई समाप्त नहीं। उनने आग रखना मैन रोड में खड़े हो गए, बोले और नहीं अब वृंदावन चलो भजन करने के लिए। लेकिन फिर सोच रहे हैं अभी तो बहुत सारे काम बाकी है, हैं? उसको मैंने उधार दिया, उससे पैसा लेना, उससे पैसा लेना, उसको पैसा देना, बेटा बेटी की शादी करना, अभी तो बहुत सारे काम है, क्या अभी चला जाओ ना और कुछ दिन रह करके भजन कर, और कुछ दिन रह करके घर गृहस्थी को निपटा करके जाओ। हम कहते ना भजन कर, बोले ये काम निपटा करे करेंगे, बोले तू स्वयं निपट जाओगे काम कभी निपटेगा नहीं। अभी तक तो जीवन में काम किसका निपटा, बोलो किसका काम निपट गया है? देखो ना मरने का पहला तक भी अभी मरने जा रहा है, बोलेगा बेटी को दे देना, वो बेटा को ये दे देना, उनका शादी नहीं हुई, ये नहीं हुई, मरने का पहला तक भी काम नहीं कभी, अभी तक तो काम किसका निपटा है? 100 साल हो गए, देखना वो 200 साल का प्लानिंग बनाकर बैठा हुआ है, हमें ये करना, हमें वो करना, हमें वो बिजनेस करना, हमें वो करना, ये आशा की कोई खत्म नहीं। इसलिए वो सोच रहा है और तो थोड़ी बहुत काम है, क्या इसको निपटा करके जाओ ना अभी चले जाओ। वो ये सोच में मेन रोड में खड़ा हुआ, छत के ऊपर से तो उतर करके आ गया। इतने में एक जमादार ने रोड साफ कर रहा है, रोड साफ कर रहे थे, अब तो एकदम बीच में खड़े हुए, बोले लाला बाबू एक तरफ हो जाओ। क्या बोले? अरे लाला बाबू अब एक तरफ हो जाओ। बोले ये तो सही कह रहा है, अभी तो हम दोनों तरफ अभी सोच रहा है, सारे काम निपटा करके जाए ना अभी चले जाए, ये तो सही कह रही, एक तरफ हो जाओ सचमुच से, बोले हमें एक तरफ हो जानी चाहिए। पर और नहीं, वहीं से उन्होंने पूरा वहीं से उन्होंने वृंदावन गई और इतने भजन किया ना, इतने भजन किया, राधा रानी जिनको दर्शन देती थी, राधा रानी जिनसे बात करती थी, राधा रानी स्वयं राधा रानी जिनसे बात करती थी, स्वयं राधा रानी, ऐसे उन्होंने साधन भजन किया। इसलिए देखो, इसलिए कल से नया वर्ष शुरू हो रहा है ना, आज से एक वर्ष समाप्त हो गया है, मतलब हमारे एक वर्ष चला गया। कहते गेला जे दिवस ना आसी बिहार एवे कृष्ण की उपाय, मतलब हमारे जो दिन चला गया है वो क्या वापस आ सकता है क्या? नहीं, वो वापस गेला जे दिवस ना आसी बिहार, और वो वापस नहीं आएगा दिवस कभी है। लेकिन कहते ये समय की सदप्रयोग किसी में है, जो सदप्रयोग है भगवान के भजन में, भगवान की कथा में और भगवान की कीर्तन में ही ये समय का सदप्रयोग है। जिन लोगों ने भगवान की कथा भजन में समय को बिता लिया, समझो उनका ही जीवन सचमुच से सही समय गया और सभी का समय नष्ट हो गया है। इसलिए आज साल का समाप्ति है, कल से नया दिन का प्रारंभ है, इसलिए हमें भी क्या करनी चाहिए, कल से जितना हम साधन भजन कर रहे हैं वो साधन को थोड़ी सी हमें आगे बढ़ाए, साधन को थोड़ी सी आगे बढ़ाए। देखो और एक चीज को समझो, प्रथम भक्ति संत न करी संगा, दूसरी भक्ति तत्कथा प्रसंगा। कि जो पहला जो भक्ति है संत न करी संगा, ये पहला भक्ति है। इसलिए अगर कोई सोचे नहीं हम घर में बैठे बैठे कर भजन कर ले, ये संतों के पास में जाने का जरूरत नहीं। देखना अब घर में अगर एक दिन झाड़ू बुहारी नहीं लगाओगे ना, धूल जम जाती है। एक दिन अगर घर में झाड़ू बुहारी नहीं लगाओ घर के क्या हो जाता है, घर में धूल जम जाती है। ये जो साधु संग नहीं, ये झाड़ू बुहारी लगा, ये साधु संग क्या करता है, हमें झाड़ू बुहारी का काम करता है।
इसलिए अगर कोई सोचे नहीं गुरु जी से मंत्र ले लिया, अरे मंदिर जाने का क्या, जो क्या घर में ठाकुर जी है नहीं, हमारे घर में तो ठाकुर है, इस मंदिर में जाने का क्या जरूरत। कहते नहीं भैया, महाप्रभु शिक्षा देते हैं जैसे गमला में पौधा लगाया, अगर एक दिन भी पानी नहीं दोगे ना, दूसरे दिन देखो कि पेड़ मुरझा जाती है। ये जो साधु संघ है ये हमें एनर्जी देती है भजन करने का, ये हमें उत्साह देती है। इसलिए कुछ कुछ लोग तो हमसे माला ले गए, हरिनाम ले लिए, कंठ में कंठी भी धारण कर लिया, जो कुछ दिन बाद में देखता हूँ ना, गले में कंठी ही नहीं, तिलक नहीं, माला ही नहीं। हमें कहते भैया कंठी तिलक बोले टूट गया है, लेकिन सोने की चेन नहीं टूटी है, घर में सोने की चेन पड़ा हुआ है मंदिर घर में। इसीलिए कहते मंदिर घर में मंदिर। देखो ठाकुर हमसे बात नहीं करते, ठाकुर हमसे कभी घर में ठाकुर कोई बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं, हैं कहते भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि देखो भैया मैं तुम्हारी कल्याण करने वाले नहीं हूँ, कल्याण करने वाले तो मेरे संत हैं। तो घर में तो ठाकुर है ना, घर हमें थोड़ी ठाकुर हमसे बात करते हैं, ठाकुर हमसे बात नहीं करते, ठाकुर जी कौन बात करते हैं, संत लोग हमें बात करते, संत हमें समझाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी बोले बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ नाश होई। इसलिए जब तक संतों का संग नहीं होता है ना, तब तक हमारी विवेक नहीं होता है, और जब तक प्रभु राम की कृपा नहीं हो तब तक संतों की संग भी हमें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए ये समझो जब तक हम लोग संतों का संगत में जुड़े रहेंगे, मंदिर में आएंगे, कथा सुनेंगे, क्या होगा। महाप्रभु रूप गोस्वामी को ही शिक्षा देते हैं, गुरुदेव तो जो मंत्र दिया, हमारा हृदय एक खेती है, जो मंत्र दिया उसमें बीज तो बो दिया है, हमें अभी उसमें क्या करना, रोज रोज उसमें हमें अभी पानी देना है। अभी जो जितना पानी देगा रखवाली करेगा उसका पौधा उतना ही पनपना करके उसका पौधा धीरे धीरे उतना ही बढ़ेगा है। अगर कोई पानी नहीं देगा तो धीरे धीरे क्या होगी, वो पौधा धीरे धीरे पौधा हमारी सूख जाएगी। कहते पानी देना मतलब क्या है, ए बात क्यों कर रहे, पानी देना मतलब क्या है, साधु संघ करना, ठीक है ना। इसलिए ये मंदिर क्यों बना रहे हैं, हमारे घर में तो मंदिर ही है लेकिन ये मंदिर क्यों बना रहे हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं पठंती बसंती जत्र छात्रा, इसलिए उन्होंने ये मंदिर बनाए, जहाँ पर भक्ति की पढ़ाई हो, भक्ति की शिक्षा हो, जहाँ पर साधु संघ हो, जहाँ पर हरि कथा हो। अरे बात मत करो, इसलिए इसको कहते इसलिए मंदिर गुरु वर्गों ने इसलिए मंदिर बनाए। इसलिए कोशिश करना, यहाँ पर कथा होती है, सत्संग होता है, कम से कम दिन में एक बार तो आने के लिए कोशिश करना, रोज एक बार आए, मंगलारती में आ सकते हो बहुत अच्छी बात, अगर बहुत ठंडा पड़ रहा है अगर नहीं आ पाते हो, कम से कम शाम को एक बार शाम को आओ, आना मतलब होता है। अगर सत देखो यहाँ पर जो माताएं आती हैं कुछ कथा सुनने के लिए, हम देखते हैं उनकी ललाट में तिलक ही है, वही कंठी धारण किए हुए, वही किसी तरह से माला थोड़ा भजन कर रहे हैं, भगवान की थोड़ा भजन कर रहे हैं। और जो मंदिर में नहीं आते ना, जब कभी कभी हम किसी भक्तों के घर में चले जाता हूँ, वो माला जहाँ तहाँ लटका हुआ है, कहते माला कितना, चूहे कभी कभी देखते चूहे उसमें घोसला बन जाते, चूहे बच्चे दे दिया कभी कभी। इसलिए जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे ना, एकदम अपने आप भजन नहीं कर सकते हो। हमारे देखो दो तरह का पौधा होता है, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक पौधा जब छोटा पौधा होता है उसमें रोज रोज पानी देना पड़ता है, लेकिन एक पौधा होता है जब वो पौधा धीरे 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 बड़ा हो जाता है, वो उसमें फिर पानी देने का जरूरत नहीं, वो नीचे से ही अपने आप पानी को पौधा ले जाता है। इसलिए जब तक हम समर्थ नहीं हो जाते हैं, जब तक हमारी साधना का रुचि अवस्था नहीं आता है, बड़ी ऊंची स्थिति है, तब तक क्या करनी चाहिए, मंदिर में आओ, भगवान की कथा सुनो, हैं साधुओं का संग करो, करोगे तो तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो भक्ति यहीं के यहीं रह जाएगी और ऊपर बढ़ने वाले नहीं। कुछ दिन बाद तिलक उतर जाएगी, कुछ दिन बाद में कंठी उतर जाएगी, कुछ दिन बाद में माला छूट जाएगी। इसलिए क्या करो, कोशिश करो, इसलिए मंदिर बनाया हुआ, किसी तरह से भगवान की कथा आओ सुना, और भगवान की कथा सुनोगे तो तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो भक्ति खत्म तुम्हारी वहीं पर। इसलिए जो लोग आ रहे हैं हम देख रहे हैं उनके ही थोड़ा भक्ति कर रहे हैं, और जब हम घर घर में कभी जाते हैं बोले माला कितना दिन से नहीं किया हो, बोले कुछ दिन ही हो गया, बोले कंठी, बोले तो टूट गया कंठी।
इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, जब गुरु जी से एक बार हम कंठी ले लिया गुरु जी से, अगर गले से कभी अगर कंठी टूट गया तो जब तक दो बार कंठी मत पहनो तब तुम पानी भी नहीं पीनी चाहिए। गुरुदेव मना करते हैं क्योंकि इसका नाम कंठी है। कंठी मतलब होता है जो कंठ में हर समय रहे है। इसलिए जब महाराज कहते हैं ना, जिसको गले में तुलसी कंठी रहेगी उसको कभी जमदूत नहीं लेंगे, उसको कभी जमदूत को सीधा भगवान को सीधा ठाकुर के पास में जाएंगे है। इसलिए गुरुदेव कहते कंठी अगर उतर गया जब तक दो बार नहीं पहन लो तब तक भोजन नहीं करना, पानी नहीं पीना, क्योंकि हम जो कुछ भोजन करते पानी पीते हैं ये कंठ से टच करते हुए अंदर में जाता है, है? जैसे ठाकुर को तुलसी पत्ता दे करके भोग लगता है, इसलिए कंठी में स्पर्श करते ही कहते तो वस्तु पवित्र हो जाता है। जब हम कोई बोली बोलते हैं वो पवित्र हो करके मुंह से पवित्र हो करके वो बोली निकलती है। इसलिए कहते नित्यम भागवत सेवया, इसलिए भागवत सेवा भगवान की कथा हमें नित्य हमें सुननी चाहिए। हमारी भक्ति तभी भक्ति धीरे 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 हमारी पनपनाते हुई भक्ति बढ़ी, नहीं तो भक्ति जहाँ की तहाँ रुक जाएगी आगे। और भक्ति जैसे क्लास वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, तभी धीरे धीरे भक्ति भी धीरे धीरे हमारी बढ़ते रहेगी। इसलिए आज नया वर्ष है, आज से शुरू होगी रात 12 बजे से, इसलिए एक संकल्प लो रोज हम कोशिश करके सत्संग में आने के लिए। देखो घर में जब टीवी देखने के लिए बैठ जाओ ना, अब देख लेना 3-3 घंटा कैसे निकल जाते हैं सीरियल देखते देखते, जिसमें कुछ बेकार चीज सीरियल क्या बताओ, झूठ मूठ चीज को एक रूपक दिया, झूठे चीज को एक रूपक दे दिया, यही टीवी और कुछ नहीं। झूठे चीज बल्कि उसको देख करके उसने ऐसे घर बनाया, ऐसे कपड़े पहना, बाल को ऐसे संभाले, कौन सा शैम्पू लगाया है, उसने बाल को ऐसे कटवाया, जितने गंदी गंदी चीज। देखो भगवान हमें जितना दिया है उतने से हमें अपना जीविका निर्वाह करनी चाहिए, लेकिन टीवी देखकर क्या हृदय में आग लग जाती है, हम भी ऐसे बनाएंगे, हम भी ऐसे सजेंगे, हम भी ऐसे शैम्पू लगाएंगे, हम भी बाल को ऐसे कटवाएंगे, जिसको देख देख कर कोई लाभ है ही नहीं। ठाकुर हमें जितना इसमें संतोष रहनी चाहिए, गंदी 3-3 घंटा बैठ करके हम क्या कर टीवी हम देख लेते हैं, समय हमारे बेकार समय गया है, तुम्हारे बेकार गया। लेकिन भागवत कहता है किसका समय बेकार नहीं जाता है, बोले उनका समय बेकार नहीं जाता जो भगवान की कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। इसलिए अगर एक ही प्रतिज्ञा लो, हम रोज मंदिर में आएंगे शाम को, और हम कोशिश करते हैं जैसे 6:30 बजे कथा विश्राम हो जाए उसको बाद में अब घर में चले जाए, अपना घर गृहस्थी करो, केवल 1 घंटा के लिए मंदिर में आओ और भगवान की कथा सुना, संतोष से ज्ञान की बात लेकर जाओ। तो और एक चीज है, अब देख लो हम संसार में सब दुखी है, कोई नहीं कह सकता है हम संसार में सुखी है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, दुखी है कि नहीं, कौन बोल सकते हैं हम दुखी नहीं बताओ। लेकिन एक चीज आप देख लो, जैसे यहाँ 1-2 घंटा बैठोगे, अभी घर की बात तुम्हारी याद है क्या? अब घर की बात याद है तुम्हारी? क्यों? भागवत कहता है जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, साक्षात ठाकुर जी की गोद में आप बैठे हो, ठाकुर जी की गोद में बैठे हो। आप देख लेना जितने समय आप सत्संग में बैठे हो उतना समय तुम्हारे मन में शांति है, उतने समय तुम्हारे मन में चैन है। केवल ये गेट से बाहर प्यार रखो, संसार का सारे दुख पर्वत जैसे सर पर आकर बैठेगा। घर जाने पर ये दिक्कत है, घर में ये समस्या है, घर में बहू से लड़ाई है, घर में पति से लड़ाई है, घर से पुत्र से लड़ाई है। केवल आप गेट से बाहर निकलो ना, सारे दुख पहाड़ रूप में आकर बैठेगा। लेकिन आप देख लेना जब तक ये सत्संग में बैठे हो, साक्षात बांके बिहारी की गोद में बैठे हो, भगवान की गोद में बैठे हो, काल का काल दुनिया को डरता है, काल से दुनिया डरता है, लेकिन काल से दुनिया डरता है, लेकिन काल किसको डरता है? काल उसको डरता है जो भगवान की कथा में बैठे है। इस समय आपके ऊपर में काल का कोई प्रकोप नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भगवान की जो कथा है वो काल से जो बाप है भगवान है, काल का काल ठाकुर जी है, उनकी कथा नहीं सुन रहे हो, उनकी भक्ति में लगे हुए, उनके चरण में आपकी कथा के माध्यम से उनके चरण में आपका मन लगा हुआ है।
इसलिए कोशिश करो शाम को कम से कम एक घंटा आओ, एक घंटा के लिए आओ और कथा में बैठो, कुछ सत्संग की कथा सुना और कुछ सत्संग की जो चोली में भर करके यहाँ से कुछ शिक्षा लेकर घर में जाओ। अब देखना आपका भक्ति निश्चित रूप में आपकी भक्ति बढ़ेगी और धीरे 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 नाम करने में रुचि आएगी। देखो जब तक इसकी महिमा हम नहीं समझते है ना, तब तक वो काम हम नहीं करते हैं। ये पैसा दस दस घंटा बारह बारह घंटा पैसा को पीछे क्यों भाग रहे? कारण है हमें पता है पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला, तभी तो हम इतने के लिए दस दस घंटा देते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व है भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति, क्योंकि पैसा तो यहीं पर रहेगी ना, लेकिन आगे क्या जाने वाले हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, इसका आगे ये सब कोई भी तुम्हारे काम में आने वाले नहीं, एक सुई धागा भी तुम्हारे काम में यहाँ से आने वाले नहीं। इसलिए गुरुदेव आप लोग बुरा मत मानो, गुरुदेव कहते थे जैसे किसको बोलते हैं भजन कर ना, कोई कहता नहीं थोड़ी पैसा कमा करके जाए ना बच्चों के लिए, गुरु जी कहते थे भैया बच्चों के लिए ज्यादा पैसा मत कमा कर रखो, वो हो ना हर होगा तो कमा ही लेगा, अगर बिगड़ेगा ना जितने तुमने पैसा कमा कर जा रहे हो वो जुआ शराब खेल करके सबके सब वो बर्बाद कर देगा है। इसलिए गुरुदेव और एक बात कहते थे, जैसे हमने पैसा कमाते कमाते शरीर छोड़ दिया, मानो दोस्त दस करोड़ रुपया छोड़ कर गए, लेकिन वो तो तुम्हारी कोई काम में लगा नहीं, तुम्हारी कोई काम में लगा क्या, वो पैसा लगा नहीं, तुम शरीर तो छोड़कर चला गया, उतना पैसा कमाने के लिए तुमने जो समय को दिया तुम्हारे समय बर्बाद हुआ कि नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी कोई काम में तो नहीं लगा है ना। आप बोलेगे नहीं हम तो बच्चों के लिए पैसा कमा कर गए, कहते भैया बच्चों के लिए ज्यादा पैसा मत कमाओ, किसकी बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं बोलो, किसकी बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं, जिसका पिता जितने पैसा बच्चों के लिए रख कर, क्योंकि वो पता नहीं ना पिताजी दिन रात समान कर कैसे पैसा कमाए। इसलिए परमार्थ कमाओ, भगवान की भक्ति कमाओ, साथ में तुम्हारी जो जाने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए तभी परमार्थ कमा सकते हो जब मंदिर में आओगे, जब भगवान की कथा सुनोगे तभी भक्ति में रुचि होगा, नहीं तो भक्ति में रुचि नहीं होगी। इतना आसानी बात नहीं भगवान भक्ति में रुचि हो जाए, दूसरे चीज में तो हमारी रुचि अपनी आप हो जाती है, ठीक है ना। कोशिश करो शाम को साढ़े पाँच से लेकर के सवेरे, कुछ कुछ माताएं तो मंगल आरती में आती हैं, कुछ कुछ माता इतने ठंडी होने पर भी हैं, एक माता जी आज से एक माता सुबह का माता जी आई थी हैं, इसलिए सुबह की माया आई थी और दो चार माता यहाँ पर बैठे हो आती है। इसलिए जो इतने ठंडक में भी मंगल आरती में आते हो ना, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ जो इतने ठंडी में भी मंगल आरती में। आप देखना सवेरे सबसे ज्यादा नींद आती है, सबसे ज्यादा नींद सवेरे आती है ना, लेकिन उसी समय में रजाई को छोड़ कर भी हैं, रजाई को छोड़ना कोई साधारण बात है, उसी समय हम रजाई में ज्यादा सोने की और ठंडा पानी में नहा करके हैं आना। इसलिए आप लोग धन्यवाद है, जो देखो जो मंगल आरती दर्शन करेगा ना उसको तो मंगल होगा ही, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी। इसलिए हमारे कुछ भाई लोग भी आते हैं, हमारे प्रेमचंद प्रभु और हमारे मित्तल प्रभु की पत्नी आती थी, थोड़ी देर से नहीं आ रही है, और कौन कौन सक्सेना जी और तिवारी जी, इसलिए जब इसलिए कहते जो सवेरे मंगलार्थ दर्शन करेगा ना उसका कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, इसको मंगल ही होगा, उसकी मंगल ही जरूर होगा। इसलिए आप लोग कोशिश करना दिन में सवेरे अगर नहीं आ सके, प्रभु जी कह रहे पहला दिन में सबके सब कोशिश करना, क्योंकि इसलिए कहते पहला दिन जो शुरुआत करेगा ना सारा जीवन वही चलेगा, पहला दिन में जो करेंगे सारा जीवन। लेकिन अभी तो बहुत ठंडा पड़ रहा है, अगर आ सकते अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ सके लेकिन शाम को कोशिश करना दिन में शाम को एक बार जरूर मंगल आरती में आने के लिए, और जितने भजन करते हैं कोशिश करना थोड़ी सी माला को बढ़ाने के लिए और थोड़ा साधना भजन को ज्यादा करने के लिए। इसलिए कल से ये शुरुआत है, और देखो आज हमारे भक्त लोगों ने बड़े सुंदर एक नाटिका उन्होंने दिखाएंगे, आपको बड़े सुंदर नाटक दिखाएंगे, दो चार दिन से इसको बड़े सुंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या हो गया है उनका आरती के बाद बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है। हाँ, और एक अनाथ समेत है, देखो अभी जो 3 तारीख आ रहे हैं ना, जो 3 तारीख आ रहा है उसमें हमारे जो गुरु जी की जो गुरु जी थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने ये जो गौड़ीय संप्रदाय को जिसने आगे बढ़ाए,
पहले इतने संत लोग इतने प्रचार प्रसार नहीं करते थे, वो महापुरुष ने आकर के ही ये जो गौड़ीय मठ को उन्होंने गौड़ीय मठ को उन्होंने स्थापन किया है, वो महापुरुष ने, जिसकी वजह से आज हम थोड़ी बहुत भजन कर रहे हैं। कहते वो कौन थे, बोले वो राधा रानी के नयन मणि मंजरी थे। नयन मणि मंजरी मतलब, नयन मतलब आंखें, मणि मतलब आंखों के अंदर में जो पुतला है, हैं? ये राधा रानी के आंख का जो पुतला है वही एक रूप लिया। कहते श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद है, उन्होंने ये रूप लेकर के आए। और राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु श्री राधा रानी। इसलिए तब भी पहले जो लोग जो भजन करते थे, अब लोग थोड़े से आगे आ जाओगे, पर थोड़े से आगे आ जाओगे। इसलिए पहले जो लोग जो भक्ति करते थे, बहुत कम लोग भक्ति करते थे, ज्यादा लोगों को कंठी तिलक माला ज्यादा लोगों में नहीं दिखता था। लेकिन वो जो महापुरुष आए, वो महापुरुष ने ये जगत में प्रचार और प्रसार किया है। पर थोड़ी सी आगे आगे थोड़ी सी आगे बोलो, श्री वृंदावन बिहारी लाल, बोलो बोलो, हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी का सब बोल दो। हरे कृष्ण, ये माइक का तेज कर दो। हरे कृष्ण, एक बार सब बोलेंगे हाथ पे रख करके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। देखिए आज आप सब आए, आप सब बधाई के पात्र हैं। सुंदर उत्सव को आप जो है इधर सहयोग कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और इसमें भाग ले रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, अभी गुरुदेव की आज्ञा और प्रेरणा से हमने इधर नाट्य लीला का प्रारंभ किया है और ये नाट्य लीला निरंतर चलेगी, हर महीने नहीं तो 3 महीने में एक बार जरूर होगी। और उसमें आप सबसे निवेदन है, निसंकोच इसमें भाग लें, क्योंकि मैं ब्लॉक वासियों को बहुत समय से जानता हूं। रामलीला में भी आप लोग काफी, हमारे पास ऐसे भक्त लोग हैं बाहर भी ब्लॉक में जो रामलीला का अभिनय किया करते थे, मैंने उनसे भी निवेदन किया कि आप हमारे साथ आइए और यहाँ पर लीलाएं कर करके लोगों को भक्ति में जोड़िए। तो इसलिए अब इस कड़ी को हमें निरंतर आगे बढ़ाना है। नाट्य लीला से जो भाव उत्पन्न होते हैं, कथा से कई बार नाट्य लीला से भाव एकदम हृदय में आ जाते हैं, तो इसीलिए हम सब प्रयास कर रहे हैं इन नाट्य लीला को भी कथा का एक बहुत बड़ा जो है भाग बनाने का, जिससे कि हम सब प्रेरणा प्राप्त करें भक्ति को किस प्रकार से किया जा सकता है, कैसे कैसे महान महान संत किस प्रकार से भक्ति किया करते थे। कभी कोई किसी भी संत का नाट्य लीला होगा, कभी कृष्ण लीला होगी, कभी राम लीला होगी, कभी चैतन्य महाप्रभु लीला होगी। इस तरीके से हम सबको इसमें बढ़ना है तन मन धन से, क्योंकि इस संसार में कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें धन जरूर लगता है। और आप सब ने बहुत अच्छे तरीके से हर उत्सव में योगदान प्रदान जरूर किया। इसके लिए हमारे प्रमोद जी यहाँ पर बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां खड़ी हो। ये प्रमोद जी हैं, ये चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, और यहाँ तक कि इनका भी एक्सीडेंट घर में ही हो गया, घर में गिर गए और दोनों पैर तोड़वा लिए, तो भी मंदिर में निरंतर आ रहे हैं, इनके जोरदार ताली। और घर घर जाकर के आप सबकी सेवा प्राप्त करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो नए भाई लोग हैं, जो माताएं बहने हैं, कुछ भी सेवा देना चाहती हैं दान स्वरूप, वो इनको प्रदान करें, ये रसीद जरूर ग्रहण करें। इसके अलावा अभी हमारे बीच में श्री
धर्म भाई जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी बड़ी कृपा हुई जिसकी वजह से भी यहाँ पर जो हरी बोल, इनके लिए जो बहुत समय से एक विवाद चल रहा था, विवाद तो नहीं कह सकते पर उलझन चल रही थी, उस उलझन को सुलझाने में इनका बहुत बड़ा योगदान, इनके लिए जोरदार तालियां। ठाकुर जी इनको शक्ति दे। देखो कृष्णा उद्धव जी खड़े हो जाओ, कृष्णा उद्धव जी को कहते हैं अगर हमारे कोई मंदिर बन रहा है उसमें कोई एक ईंट लगा देता है, स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं उसके लिए मैं गोलोक वृंदावन में महल बनाता हूँ। ठाकुर स्वयं कह रहे हैं अगर भगवान के मंदिर बने इधर आ जाए जिसमें हजार लोग आएंगे दर्शन करेंगे उनको है उनको भक्ति की प्राप्ति होगी। अगर किसी काम में आप जैसे मदद कर रहे हैं ना ठाकुर जी आपको बड़ी कृपा करेंगे, ठाकुर का अब सोच भी नहीं सकते ठाकुर जो आपको देने वाले, इसलिए अब थोड़ी सी कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी कोशिश करो जितने जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए, ठीक है ना प्रभु जी। इसके अलावा इधर अभी मंदिर निर्माण होने जाएगा जल्दी ही, अभी जैसा महाराज जी ने बताया हम सब प्रयास में है, तो उसके लिए आप सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, उसमें आप जिस तरीके से भी चाहे, कोई धन नहीं दे सकता, किसी की जैसे सीमेंट की दुकान हो सीमेंट दे सकता है, ईंट की दुकान है ईंट दे सकता है, और जो भी लोहे इत्यादि सरिया इत्यादि कुछ भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं, और अपनी शक्ति के अनुसार दे जिससे कि जल्दी से जल्दी यहाँ सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। इसके अलावा 3 तारीख को अभी महाराज जी ने बताया हमारे शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की तिथि है, उसको भी हम सुंदर तरीके से यहाँ पर उत्सव स्वरूप मनाएंगे, भंडारा भी उसमें होगा। नहीं नहीं महाराज एक मिनट बुलवाना है। इसके अलावा 7 तारीख में हमारे शिल गुरुदेव की तिथि है, हमारे जो बड़े गुरु जी है शिल भक्ति वेदांत नारायण नारायण गोस्वामी महाराज जी की, उनकी भी तिथि है, उसमें भी आप सब जो है जरूर आइएगा, आप सबका सुंदर आमंत्रण है निमंत्रण है। इसमें आप सब जो है हमारे प्रमोद जी को जो भी सेवा देना चाहे दे सकते हैं, प्रमोद जी ना अवेलेबल हो तो हमारे प्रेम प्रभु जी को दीजिए, हमारे बलराम प्रभु जी को दीजिए, इनमें से कोई ना हो तो ब्रह्मचारी जी को दीजिए, हमारे जनार्दन प्रभु को दीजिए, और कोई नहीं मिले तो गुरु जी को दीजिए, तो यहाँ पर सब सेवा आपकी निरंतर चलती रहेगी। ये प्रभु जी जो हमारे हैं धर्म भाई जी, ये शुरू में जब मैं बड़ौत आया था मेरे ऑफिस आए सुंदर सुंदर महाराज जी रामायण की इन्होंने जो सुंदर प्यारे हमें सुनाई वो आज तक हमें जो है अंदर से हृदय को हृदयंगम करती है, तो आज मैं इनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ी थोड़ी रामायण की सुंदर सुंदर जो आपने पहले सुनाई उसको भी बढ़ा चढ़ा करके, अपनी तरफ से बढ़ाना नहीं है मतलब ज्यादा उसको विस्तार करके सुनाए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणवो प्रथम भरत के चरणा प्रणवो प्रथम भरत के चरणा I'm not.
जब रावण का जीवन समाप्त होने वाला था, भगवान राम ने कहा कि भाई लक्ष्मण जी कुछ सीख ले हो। तो लक्ष्मण जी गए उनके पास में और उन्होंने पूछा कि जी मुझे कुछ उपदेश करो। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर कोई अच्छा काम करना हो तो उसमें कल्प न टालियो, उसे तुरंत कर लो, और जो कोई बुरा काम करना हो तो उसे कल्प टाल दो। तो मंदिर निर्माण हो रहा है और कल का कुछ भरोसा है ही नहीं, तो जो शुभ काम करना है वो आज से शुरुआत कर दी। हरि बोल। और 11,000 रुपए मेरी तरफ से। हरि बोल। नहीं नहीं आप जो विषय को विषय पर बोलो बच्चों। हाँ दो मिनट। हाँ बोलो। हरे कृष्णा, एक बहुत जरूरी सूचना आपको देनी है आप सभी को। अभी जो है ना, अभी जो मैं बात बताने वाला हूँ ये है काम की बात है। ये कौन सी बात है? काम की बात है। क्योंकि किसी भी देश, किसी भी संस्कृति या किसी भी सभ्यता, उसकी उसका जो आधार है वो क्या होता है बताओ क्या होता है आधार? वो होता है उस जो जिधर की भी बात हो रही वहां के जो आने वाली पीढ़ी है वो उसका है कि नहीं है। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा भारत जो है ना पढ़ा लिखा होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है? पढ़ा लिखा। सब लोग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी पढ़ाई जैसे जैसे करते जा रहे हैं, हम लोग हमारी संस्कृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इसका परिणाम बहुत जल्द आने वाला है। अभी तो आना शुरू हो गया है लेकिन बहुत जल्द आने वाला है, बहुत अच्छा वाला परिणाम आएगा, जिस परिणाम को देखने के लिए हो सकता है हम लोग यहाँ पे ना भी हो। इतनी भयावह स्थिति होने वाली है ना। क्यों? क्योंकि हम किसको किसके पीछे पीछे चल रहे हैं? हम किसके पीछे चल रहे हैं? अमेरिका, हाँ, इंग्लैंड, यूरोप, जो विदेशी जो देश है, जो बड़े विकसित लगते हैं, हम उनके पीछे चल रहे हैं। चल रहे कि नहीं चल रहे? हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन किसी एक बहुत बड़े ज्ञानी ने एक अच्छी बात बोली। उसने बोला जो ये पाश्चात्य जगत है ना, जिसको वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर है, हमारा भारत कौन सा देश है? एक पूर्वीय देश। कौन सा देश है? एक पूर्वीय देश। जब सूर्योदय होता है ना, सबसे पहली किरण कहां पड़ती है? हिमालय पे पड़ती। कहां पड़ती है? हिमालय पे। स्वर्ण जैसा दिखता है इसलिए उसका नाम सुमेरु है। लेकिन ये पूर्वीय देश होगा और हम अगर अमेरिकन के पीछे जाएंगे, अगर मान लो सूरज जब पश्चिम में जाता है तो क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। जब पश्चिम में जाता है तो क्या हो जाता है? सूरज अस्त हो जाता है। अगर हमारी संस्कृति पश्चिम की ओर जाएगी तो क्या होगी? अस्त होगी। हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाने से, बहुत बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाने से, बड़ी बड़ी पढ़ाई हो जाने से हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा होता तो अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जापान के अंदर सब लोग सुखी हो गए होते। हो गए होते कि नहीं हो गए होते? उनके पास तो हमसे ज्यादा सुविधा है, हमसे अच्छी सड़कें हैं, हमसे ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है। क्या वो लोग सुखी हैं पूर्ण रूप में? अगर सुखी हो जाते तो भागदौड़ बंद हो जाती। भागदौड़ चल रही है ना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा वो हमसे ज्यादा दुखी है। अगर आपको देखना हो तो रिकॉर्ड निकालो, गूगल है, मोबाइल आप सबके हाथ में है ही आजकल। कली का दूसरा स्वरूप मोबाइल, उसका इस्तेमाल सदुपयोग करो, जानो, खोलो, उसमें गूगल खोलो और देखो क्राइम रेट इन अमेरिका, कितने लोग वहां डिप्रेशन के मरीज हैं, कितने लोगों को हाइपरटेंशन है वहां पे अमेरिका के अंदर। आपको पता लगेगा कि अमेरिका के अंदर पता नहीं 40 ना कि 60 लाख लोग ऐसे हैं जो रात में बिना नींद की गोली खाए सो नहीं सकते। उनको सोने के लिए क्या चाहिए? नींद की बहुत सारी गोलियां उनको पिल्स खानी पड़ती सोने के लिए। क्यों? क्योंकि शांति तो है ही नहीं,
बिल्डिंग है, घर है, बड़े बड़े गद्दे हैं, हजारों के लाखों के। वो माइकल जैक्सन का नाम सुने? किस लोग माइकल जैक्सन का नाम सुने? हाथ खड़ा करो और अच्छे से उठा। माता जी लोगों को ज्यादा पता है। इधर तो किसी ने हाथ ही खड़ा नहीं किया। वो जो माइकल जैक्सन था ना, उसका 60, उसका मतलब कितना कीमत होगा, 60 लाख का बिस्तर था। जो बिस्तर होता उस पर सोता था, लेकिन उसको 2 घंटे नींद भी नहीं आ पाती थी। 60 लाख के बिस्तर पे 10 गोली खाने के बाद में भी 2 घंटा नींद उसको नहीं आती थी। तो इससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि ये जो सुख सुविधा है, ये हमको सुख देने वाली नहीं है। कितने लोग मेरी बात पे हाँ बोल रहे हैं? हाँ, आप जो बोल रहे हो इसमें सच्चाई है? कोई ऐसा बोल रहा है कि नहीं नहीं इसमें गलत है कुछ ऐसा बोल? और दूसरा उदाहरण सुनो, और दूसरा उदाहरण। झूठ मूठ मत हाथ खड़ा कर, आज साल के पहले दिन आखिर दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा उदाहरण सुनो, एक लेडी डायना थी, बहुत सुंदर, इसका नाम नहीं सुना होगा किसी ने भी। कितने लोगों ने नाम सुना? कौन थी? बकिंगम पैलेस की क्वीन है, राजकुमारी थी, इतनी सुंदर थी, लेकिन अंत में उसको जहर खा के मरना पड़ा। हो गया ना राम नाम सत्य। महल था इतना बड़ा, इतनी सुंदर थी कि कोई दूसरी भी नहीं हो सकती, इतनी सुंदर थी, लेकिन सुख नहीं मिला। इसलिए अब से बड़ौत में सब ब्यूटी पार्लर बंद हो जाने चाहिए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हम जो बताना चाह रहे हैं उसका मतलब यह है, सीधा सीधा मतलब यह है कि बच्चों के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि हमारे जो संस्कृति है, धर्म है, ये बहुत ऊपर है, ये नीचे नहीं है। और वो कब होगा? जब हमारे जो धर्म की जो बातें हैं, हाँ, हमारे शास्त्र की जो बातें हैं, उसको हम अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, हम समझ लेंगे सारी बातों को कि कैसे ये जो जो छोटी छोटी क्रियाएं दिखती है ना, जैसे दिवाली में दिया जलाना, होली में रंग खेलना, सावन में उपवास करना, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी नहीं, इनके पीछे बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। अभी हमारा क्या हो रहा है, प्रथाएं तो चल रही है, लेकिन उसके पीछे का ज्ञान लुप्त हो गया। लुप्त होने से क्या हो गया? अब जब बच्चे पूछते हैं, मम्मी हमें तुलसी की परिक्रमा क्यों लगानी चाहिए, तो मम्मी बोलती, बेटा मुंह ना पोतो, मेरी सांस लगाती थी, मैं भी लगाने लगती। ऐसा हो रहा है ना? हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। हमें ऐसा नहीं होना है, हमें पता करना है कि भाई तुलसी की ऐसी क्या वैल्यू है, ऐसा क्या है तुलसी के अंदर कि इतने सालों से आज तक लोग तुलसी की पूजा कर रहे हैं, और फिर वो आंगन में ही क्यों होती है? क्या कभी किसी ने प्रश्न खड़ा किया? बाबा सुनो, तुलसी की पूजा क्यों होती है? आप देखो, मैं तुलसी के उदाहरण से समझाता हूँ। एक उदाहरण हम तुलसी का ही सुनते हैं, ये बड़ा अच्छा उदाहरण है, सारे बच्चे आप लोग भी सीख लो। कितने बच्चे यहाँ पे स्कूल कॉलेज में? हाथ खड़ा करो जल्दी जल्दी, जोर से, अच्छे से, चलो ऊपर करके हाथ खड़ा करो। ठीक है, घबराओ मत, कुछ नहीं पूछूंगा मैं, मुझे पता है आप लोग कुछ नहीं आने वाला। देखो, जो तुलसी है ना, वो एक पौधा है, हर्ब्स शर्ब्स और ट्रीज होते हैं, है ना? तुलसी क्या है? एक हर्ब है, ठीक है, उस पौधा, छोटा पौधा। अभी क्या होता है, अभी हम इसको साइंटिफिक नजर से देख रहे हैं, बाद में धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे, पहले साइंटिफिक नजर से देखते हैं। एक उदाहरण, जो तुलसी का पौधा है ना, आपको आपने पता होगा, जो लोग बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, रात में जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो सवेरे क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या देते हैं हमको? ऑक्सीजन देते हैं ना, ये बात सबने सुनी है। लेकिन रात में क्या होता है? रात में वही पेड़ ऑक्सीजन नहीं देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी जो ऑक्सीजन देने वाली जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, वो कब होती है? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पढ़ा ना सबने? फिर रात में क्या होता है उनके अंदर? रात में रेस्पिरेशन करते हैं, उल्टी प्रोसेस, और क्या देते हैं रात में? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए अगर हम रात में पेड़ के नीचे सोएंगे तो क्या होगा? हमें नुकसान होगा। इसलिए गांव में आप कई जगह जाओगे, बोलोगे पेड़ के नीचे नहीं सोना, वहां भूत है। सुना ना, कितने लोगों ने सुना पेड़ के नीचे भूत है? रात में, वो दिन में नहीं रहता भूत, रात में ही रहता। अभी क्या, जैसे तैसे भी तो लोग बात को माने, तो घुमा फिरा के बोल दिया। लेकिन पीछे कारण ये है कि रात में पेड़ हानिकारक हो सकता है,
लेकिन इसमें भी चमत्कारिक रूप से कुछ पेड़ ऐसे हैं जो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। अब आपको ये पेड़ देखना, नाम सुनना, पीपल, नीम, तुलसी, क्या इन पेड़ों के नाम सुने आपने? इन पेड़ों की हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अब कोई इन पेड़ों की, सिर्फ इन्हीं पेड़ों की पूजा हो रही है तो इसका मतलब ये भारत वाले बहुत सालों से जानते थे कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये क्या देते हैं, रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। क्योंकि भारत एक ऐसी सभ्यता है, ये जो भारतीय संस्कृति है ना, ये एक ऐसी सभ्यता है जो कृतज्ञता सिखाती है। क्या सिखाती है? कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब क्या होता है? ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना। जैसे हमें कोई कुछ चीज देता है तो हम क्या बोलते हैं? भाई थैंक यू सो मच, बोलते कि नहीं बोलते? अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? अच्छा नहीं है। इसलिए हमारी हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें थैंकफुल होना चाहिए। इसलिए जो ये जो ये जो पेड़ पौधों की पूजा होती है ना, ये थैंकफुलनेस भारतीय लोगों की। और उसमें भी जो तुलसी का पौधा है ना, ऑक्सीजन देता है, प्लस तुलसी के पौधे के आसपास ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को खा जाता है। इसलिए तुलसी को कहाँ लगाते हैं? आंगन में। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को खाली मने लागे वृंदावन नी को। ये कौन सी संस्कृति है? क्या अमेरिका वाले करते हैं सब? उनके वहां तुलसी का पौधा है क्या? उनको पता है कैसे करते हैं, क्या इसके पीछे? एक छोटा सा उदाहरण दिया ना, ऐसे हर जगह लागू होता है। लेकिन मैं तो इतना छोटी सी बात कहूंगा कि एक बहुत बड़े तूफान के अंदर एक छोटा सा दिया जैसे झलमल 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 जलता है ना, देखा किसी ने? बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा हो और एक दिया जैसे तैसे जल रहा हो, दिवाली में सबने नोटिस किया होगा कभी ना कभी। अभी समझो हमारी भारतीय संस्कृति है ना, वैसी झलमल झलमल कर रही है। हंसो मत, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। स्क्रीन को बंद कर दो, बंद कर दो। पर वो जो तूफान के अंदर वो जो दीप जल रहा है ना, वो किसने जला के रखा हुआ है? किसने जला के रखा हुआ है वो दीप? वो ऐसे संतों ने जला करके रखा हुआ। उस दीप को ऐसे करके जैसे बचाते ना हम लोग बुझ ना जाए, ऐसे बचा करके रखा हुआ है। अगर यही संत घर घर जाकर के लोगों को नहीं बताएंगे तो क्या किसी का कल्याण होगा? पर इसमें एक बहुत जरूरी बात है कि बच्चों तक मैसेज जाना चाहिए। माता जी देखो, आप लोग तो यहाँ पर आ गए, आप लोग सुन भी रहे हो, यहाँ देखो प्रभु जी लोग हैं, ये लोग भी यहाँ पर आ गए सुन रहे हैं। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि क्या हमारे बच्चे भी इन सब बातों को सुन रहे हैं क्या? वो जब स्कूल में जाते हैं ना तो वहां ये सब नहीं सिखाया जाता। वहां पे क्या सिखाया जाता है? धर्म, अर्थ और काम, तीन चीज सिखाई जाती है। चौथी चीज क्या है वो तो नहीं सिखाया जाता वहां पे। वहां पे धर्म की बात सिखाई नहीं जाती है, वहां पे गीता नहीं पढ़ाई जाती है, रामायण नहीं पढ़ाई जाती है, भागवत वहां पे नहीं पढ़ाई जाती है, केवल धर्म, अर्थ और काम। कि धर्म, अर्थ और काम क्या होता है? कैसे पैसा कमाना है, कैसे शरीर को पालना है, इसको सजाना है, इसको खिलाना है पिलाना है, पिज्जा मंचूरियन है, बढ़िया बढ़िया चीजें इसको खिलानी है, इसको सजा लेना है, फिर एक दिन हर जाना है, इतना ही सिखाते हैं। ये एक तरीके से क्या है, वो कुलशेखर की एक स्तुति बड़ी सुंदर, मेरे को याद नहीं है, उसमें बताया ये त्रिकोण है ना, ये धर्म अर्थ और काम एक त्रिकोण की तरह है। त्रिकोण में ऐसे 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 घूमते रहोगे, लेकिन जो बीच का जो मोक्ष है ना वो गायब है, जो उसको फाड़ करके बाहर निकालेगा वो है ही नहीं। इसलिए क्या हो रहा है, हमारे बच्चे जा करके किनको फॉलो करते हैं? फिल्म स्टार्स। किसी बच्चे से पूछो खड़ा करके, अगर हम किसी बच्चे को खड़ा करके पूछे कि भाई क्या इन इन जितने लोग बैठे हैं, ये जो बच्चे हैं, वो उनमें से किसी को भी क्या गीता के 10 लोग आते हैं? कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। आश्चर्य, क्या रामायण की 10 चौपाई? कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। चलो यहाँ तो ये बड़ोत है, आप लोग सब धार्मिक लोग हैं, यहाँ बैठ करके सुन रहे हो, आप जाकर के वहां नोएडा, दिल्ली, हाँ, गाजियाबाद, फरीदाबाद, बेंगलोर, उधर जाकर के देखो क्या हालत है लोगों की। बोले गीता? बोले ये क्या होता है गीता? रामायण? बोला हाँ हाँ हाँ, एक रामायण थी, हाँ हाँ हाँ, सुना सुना, कुछ तो होता है। ऐसी हालत हो गई लोगों की, बहुत दूर हो गए हैं।
अब उनका केवल एक ही है, जब भी उनको कुछ इंजॉय करना है, पार्टी करना है, तो क्या करना है? बोतल तोड़नी है और मुर्गे काटने हैं, यही है। आप लोग तो यहां रहते हो ना बड़ौद के अंदर, मैं तो जॉब करता हूं, मैं तो देखता हूं अपनी आंखों के सामने ऐसा ही होता है। अच्छे अच्छे घर के, तुम कौन हो? बोला हम पांडे जी हैं। और तुम कौन हो? हम शर्मा जी हैं। और मुर्गा खाने में कोई शर्म नहीं आ रही, हम शर्मा जी हैं। किसी से पूछो तुम क्या हो, किसी से पूछो तुम क्या, अपना बड़े गर्व से ये हैं हम यूं। और हरकत देखो तो ऐसी घटिया, किसी को तुमने मार दिया, कभी सुख मिलेगा तुम लोगों को? कभी भी सुख नहीं मिलेगा। अरे ये तो बहुत साधारण सा ही है, इसमें कोई बहुत जानने ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं इसके अंदर। कोई जानवर है, कोई जीव है, हैं? उसके सामने तुम मार रहे हो, तड़प रहा है, क्या इसमें कोई आनंद आ रहा है किसी को? लेकिन हम लोग इतने गिर गए हैं नीचे, मतलब पाताल में जाने वाले हो रहे हैं, इतनी हालत हम लोगों की खराब हो गई है। इसलिए जितने भी बच्चे हैं ना, क्योंकि ये भारत का भविष्य है, सुबेरे सुबेरे गाड़ी आती है ना, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, वो केवल घर का कचरा नहीं निकालना है, इस दिमाग का कचरा भी निकालना है। कौन कौन निकालेगा इस दिमाग के कचरे को? हाथ खड़ा करो, और जल्दी से ऊपर हाथ खड़ा करो, और कचरे की गाड़ी निकल जाएगी। इस कचरे को भी निकालना पड़ेगा, जिसके अंदर हीरो हीरोइन, इसमें बहुत सारा कचरा भरा हुआ है इस दिमाग के अंदर, उस कचरे को हमको झाड़ू मारना ही पड़ेगा। जब तक झाड़ू नहीं मारेंगे ना, देश की सफाई होने वाली नहीं है। ये जो मोदी जी सफाई कर रहे हैं ना नदी नालों की, अच्छी सफाई, अच्छा है, होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन सब मूल सफाई क्या होगी? ये जो दिमाग के अंदर कचरा भरा है ना, हमारी संस्कृति गीता रामायण को छोड़ करके जितनी भी चीज है, सब क्या है? कचरा। उस कचरे को साफ करना है। इसीलिए जो लोग बच्चे आ करके साइंटिफिकली, ये जो साइंटिफिक फैक्ट्स है हमारे रिलीजन को लेकर के, हु इज गॉड, हु एम आई, वन गॉड और मैनी गॉड, हमें सबसे बड़ा संशय क्या है, भगवान एक है या अनेक है, ये टॉपिक है। प्लस हमें दुख क्यों मिलते हैं, लॉ ऑफ कर्म, ये सारे जो गीता के टॉपिक है, बड़े सुंदर सुंदर, इन सभी टॉपिक्स को लेकर के हम लोग सेमिनार यहाँ पर रखेंगे। हो सकता है अभी तो आपको हम डेट दे देंगे, प्रोग्राम जैसे चलेगा, नेक्स्ट जो सैटरडे संडे आएगा, अभी तो जैसे परसों आ रहा है सैटरडे, उसके बाद जो अगला सैटरडे संडे आएगा उसके अंदर आप लोग सभी अपने बच्चों को भेजना, जिसके अंदर हम लोग स्लाइड के माध्यम से और उनको प्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे शास्त्रों के अंदर सारी बातें अच्छी अच्छी लिखी हुई है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं, आज की पढ़ाई से उसको रिलेट कर सकते हैं। देखना, ये सब करने से इतनी तीव्र बुद्धि बच्चों की हो जाती है ना, मेरा पर्सनल अनुभव है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम। उसकी बुद्धि कैसे होती है? मुझसे योग करने वाली। और जिसकी बुद्धि भगवान से योग करने वाली है, वो संसार में तो ऊपर की बुद्धि होगी, यहाँ के कुछ इंटेलिजेंस कुछ भी उसके सामने नहीं रहता। इसलिए आप लोग सभी लोग उस सेमिनार में कोशिश करना कि जो 9वीं 10वीं से लेकर के कॉलेज तक या आगे तो जितने भी लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, कॉपी पेन लेकर के उसमें आना, हम सभी बच्चों को वहां पर बिठा करके सिखाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वो हम लोग सेमिनार रखेंगे, ताकि बच्चे कुछ तो सीखे आगे बताने के लिए। बच्चे सीखेंगे, लड़के सीखेंगे, तो आगे 10 लोगों को बताओ, लड़की सीखेगी, शादी होगी, अपने पूरे परिवार में सबको बधाएगी। ये उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर ये मैसेज हमने दे दिया, आगे आपको देना है, क्योंकि स्वच्छ भारत का इरादा। हरे कृष्णा। यहाँ पर जितने बच्चे लोग आए हो, हमारे जितना फ्रेंड्स है ना, सबको लेकर के आना, याद रहेगा, अकेले नहीं आना, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को लेकर के आना, ठीक है? अभी वो बताएंगे जो सैटरडे संडे को कितने बजे सेमिनार करना, आप बताना कथा के बाद। और दूसरी बात है, जितने यहाँ पर माताएं और पिताएं आए हैं, आपको सारे बच्चों को भेजना जरूरी। कहने बच्चे बात नहीं सुनते, स्कूल जोर जबरदस्ती, स्कूल कॉलेज भेजते कि नहीं, स्कूल कॉलेज भेजते ना कि जोर जबरदस्ती। इसलिए यहाँ पर अगर एक बार आ जाए ना, अब देखना बच्चे के संस्कार अच्छे बनेंगे, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुएंगे, पिता माता को आदर करेंगे, सब बात सुनेंगे, तो क्योंकि उनके अंदर में हमारी संस्कृति धर्म की भावना जगेगा और तुमको भी आदर करेंगे, सबसे तो पिता माता को बच्चे आदर करेंगे, ठीक है? यहाँ पर भी अभी जो ड्रामा होगा उसमें भी छोटे छोटे बच्चे सब रोल कर रहे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे रोल कर रहे हैं। इसलिए अभी ये प्रोग्राम का आप लोग डिसाइड करो, कितने से कितने बजे तक वो सेमिनार देंगे, ठीक है? उसको डिसाइड कर लो।
ठीक है बच्चों, अपना आना और जितने यंग बच्चे और दोस्तों को लेकर के आना, और जितने पिता माता आए अपना बच्चे को जोर जबरदस्ती नहीं आते कान पकड़ करके लेकर आना है। बोले चलो वहां पर मंदिर में, जब स्कूल कॉलेज में उनको भेज सकते हैं, फिर भक्ति के लिए क्यों नहीं भेजोगे? ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सबके सब खड़े हो जाओ, ठाकुर जी आरती होगी। अनिरुद्ध आ जाओ आरती कर, गजेंद्र तुम भी आ जाओ, दोनों माइक ले लो, आरती करो भैया, जल्दी जल्दी आरती कर दो, अभी नाटक होगी, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, सब नाटक देख करके बड़ी सुंदर नाटिका दर्शन करके प्रसाद लेकर जाना, बहुत सुंदर, लो घर फटाफट धर। ठाकुर जी खोलो, दर्शन खोलो, ठाकुर जी पुजारी जी, अभी कोई जाना नहीं, बहुत सुंदर प्रोग्राम होगा, सभी से निवेदन है, गुरुदेव के अनुगत में बहुत सुंदर नाट्य लीला है। पुजारी प्रभु बोलो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। जो बच्चे सेमिनार में आएंगे उनके लिए फिर पूजा फ्री है, आप रोज आएंगे बच्चे, उनमें मैंने रेगुलर पार्टिसिपेंट्स, सेमिनार में जो बच्चे आएंगे ना उसमें हम छोटी छोटी एक्टिविटीज कराएंगे, जो बच्चे ढंग से पार्टिसिपेट करेंगे अगले दिन पूछेंगे उनको गोडीज देंगे, छोटे छोटे प्राइजेस गिफ्ट वगैरह उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चॉकलेट वॉकलेट सब प्रभु जी की तरफ से चॉकलेट मिलेंगे आप सबको। जवान रहे क्या करें उनको, ये अभी उनको ऑर्डर नहीं मिला दिखे शायद, आप एक बार देख, ऑर्डर नहीं मिला दिखे शायद, अभी आदेश नहीं मिला दिखे शायद, अभी मैं मिल गया आदेश नहीं मिला, देखो आप वो सब आ रहे हैं, जय 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 जगन्नाथ की, जय Thank you.
अपना दिमाग नीता।
की जय। अरे वो आप सब बैठ जाओ, अभी नाटक शुरू हो रही है, आप लोग सब बैठ जाओ। आप लोग यहाँ जाओ, जय श्री मधुराज गंगा हरी बोल हरे कृष्णा। ये भाई को अंदर में देना, भाई कृष्णा हरी बोल। प्रभु जी कुछ सवाल था।
आरती करोगे? हरे कृष्णा। देखो श्री भगवान की दिव्य लीला शुरू होने जा रही है, ओके ना, बहुत मन से इसका दर्शन करो और आराम से देखो इसको। और ये पहली बार उपक्रम किया है श्री गुरुदेव की कृपा से, श्री भगवान की कृपा से। इसमें एक एक पात्र ने अपनी अपना पूरा का पूरा गट्स लगाया है परफॉर्मेंस करने के लिए। और हमारे यहाँ संतों का कहना है कि जब ठाकुर जी और श्री राधा रानी का रोल प्ले जो करते हैं, उनके मस्तक पर जब चंद्रिका श्री राधा रानी धारण कर लेती है और मुकुट श्री ठाकुर जी धारण कर लेते हैं, तो साक्षात श्री जी और ठाकुर जी का आवेश आ जाता है। फिर श्री जी और ठाकुर जी अलग नहीं है, यही है श्री जी और ठाकुर जी। इसलिए आप लोग बात करें बगैर सुनो। बोलो श्री रास बिहारी भगवान की। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री ठाकुर ठाकुरानी की। श्री रास बिहारी लाल की। हाथ उठा के बोल दो भैया, बोलो श्री रास बिहारी भगवान की। सब लोग सबसे पहले आरती का आनंद लेंगे भाव से। साक्षात प्रिया प्रियतम विराजमान है, इस भाव से सब लोग सखियों सहित हमारे युगल सरकार की आरती का आनंद लें। आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी, आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी, आरती करो ब्रज आरती करो ब्रजनारी। सिंहासन
इस वीडियो को सभी शेयर करें। ये गुरुदेव के अनुगत में बहुत सुंदर ठाकुर जी का प्रोग्राम हो रहा है। हैप्पी न्यू ईयर के उसमें सामने जगन्नाथ जी का दर्शन, गुरुदेव का दर्शन साक्षात हो रहा है। हरे कृष्णा। Thank you.
इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करें जो सभी इस प्रोग्राम का आनंद ले सके। वैसे ही फैलकर नहीं बैठे बिल्कुल टांग ही परेशान है, पर क्या करूं श्री जी, यमन बिना शाम सुख को नयन भर देखे माने ही ना है। पर अब तो अती है गई, यह शेर को सवा सिर मिलना ही चाहिए, क्यों ना श्री जी माँ को मुन्ना दिखा जाए। मुंह पे एक युक्ति है श्री जी, क्यों ना वहां को भी कुछ हनन की हो जाए। अरे अपनी उंगलियां तो वहां की सेवा करे हैं, वही के विषय में कुछ विचार करो तो क्यों। बसरत लालच लाल की मुरली धरी लगाए, सोह करे भोहन हसे देहन ते नतिजाए। बोली श्री वंशी चोर राधा रानी की। Thank you.
अरे काना, आज तो कैसे हो मोड़ बीच के सो रहा है? आज तो एक खेले भी की सुधी नहीं। चल रे कन्हैया, जल्दी तैयार हो जा, खेल भी। अरे श्रीदामा, जरा देख तो, मोरी बंसी नाय मिल रही, तनिक इत उत देख तो। नहीं लाला, इधर तो नहीं है, कोई चुरा तो नहीं ले गो? काना से बड़ो चोर कौन पैदा हो गयो इस ब्रज में? तो ये कैसे पता मधुमंगल? ये देख काना, ये तो सचिन कहीं काम है। ले गई ले गई ले गई, मैं चल गई चल गई चल गई। ओ कारे को चल के ले गई रे गोरी सरदाने वाली। बाकी प्यारी मोरनिया को हार गई रे गोरी बरसाने वाली। बाकी प्यारी मोरनिया को हार गई रे गोरी बरसाने वाली। अब मोरी बंसी कैसे वापस आएगी सिखाओ, कोई युक्ति लगाओ। बरसाना दो सखियन का देश है, वहाँ उनके आगे बिना कोई प्रवेश ना कर सके। हाँ जाने तो है, सक्यन को भेज डाल करना पड़ेगो। मोपे मोपे युक्ति है सखाओ, जाते मोरी बंसी भी मिल जाए और मोरी प्राण प्यारी के दर्शन भी है जाएंगे। क्या युक्ति है? ताली बजाओ। सब कुछ अंदर ही है। Get out.
सर्वेश्वरी श्री राधा प्यारी की। चलो घूम घुमा कर खागरो सारी झालरदार, अरे देखो ये आनंद का छोरा बन आयो मलिहार। जहां तक तो मैं आए गयो पर मोपे चूड़ी बेकबो तो आवे ही ना है। अरे आए गयो नहीं आए गई। यहां तक तो मैं आए गई पर मोपे चूड़ी बेकबो तो आवे ही ना है। अब चूड़ी कैसे बेकू? अरे बताए दो चूड़ी कैसे बेकू? अरे तू ही बताए थे चूड़ी कैसे बेके। अरे मलिहार, तो कब से एक ही बात की रटन लगाई जा रही है, चुड़िया ले लो चुड़िया ले लो, अभी तक तोहे कोई ग्राहक ना मिलो। अरे मलिहार, तो घूंघट में तो ऐसे मुस्काए रही है जैसे कारे बादल बीच बिजली चमक रही हो। चूड़ी बड़े जमोल की ये नगर नगाहक को खाली परी मैं सब घर आई कटो। सखी या सखी तो मोए चूड़ी पहराइबो को कह रही पर अब या सखी भी मोए चूड़ी पहराइबो को कह रही। बता या को भी चूड़ी पहराए दू? अच्छा हाँ सखी, मैं यह गांव में पूरो एक फेरो लगाई पर कोने भी वो से चूड़ी तो दूर ए तक ना पूछो कि तेरी टोकरी में है का। अरे मनिहारन, मैं तो उसे सत्य कह रही हूँ, तू किसी बड़े घर में अपनी चूड़ी बेचने चली जा, वहाँ तेरी सारी चूड़ी बिक जाएगी। चूड़ी नील मणि पहरवे नाहिन लायक और भगवान कोई ले चले मैं दीखत कई ठौर। सखी मोए तो लग रहो है या गांव में कोई ग्राहक ना है जो मोई चूड़ी ले ले। अरे ग्राहक तो जब होए गो जब कोई चूड़ी पैर पे वारी होगी, जब कोई चूड़ी पैर वो नहीं जाने तो चूड़ी लेके का करेगो। मैं ना आगे तेरे जान में कभी एक आज की बेक बेवारी तू बड़ी त्राय रही है। तू वृष भानु बाबा की पोरी पर चली जा, वहाँ नित्य प्रति लाखन की वस्तु बिके है। अच्छा नित्य प्रति लाखन की वस्तु खरीदे बेचन हारी काच की कहाँ दिख इतराए पौरी भूप वृष भाग की जहाँ लाख की वस्तु बिकाए। चल तुम मोहे संचल मैं दिखाऊं तो है वृषभानु बाबा की पहरी। सखी ऐसा कौन सो घर है जो मोही सारी चूड़िया भी खरीद ले और मोहे मुंह मांगो इनाम मिले। मेरे माल ही ले जो मुंह मांगो मैं दे, ऐसो है घर कौन सो का नाम प्रकट कर दे। चल सखी मोए ले चल मनिहारी का।
प्रगट कर सावरी पहले हो बेगी बुलाए अजी स्वामिनी जी किशोरी जी की जय हो अजी मैं आपके पावन प्रसन्न रहे तेरे बाल बच्चे खुश रहे अरे मनिहारन तू ये बता पूछो किशोरी जू कि तू चूड़ी बेकवे आई है या अपने रूप को बेकवे आई है अरे किशोरी जू मैं गांव में डोल डोल कर थक गई पर को ने भी मोसे चूड़ी ना खरीदी मोए तो लगो कि आप मेरी सारी चूड़ियां खरीद हो जो मनिहारन दूर की आई राज दुलार कोई ले लो चूड़ी चूड़ना अरे कोई बोल ले और जवान अरे मनिहारन मोको तो देख के नहीं लगा कि तू थक गई हो मोको तो कुछ और ही बात लगे किशोरी जू मैं तो आपके पास चूड़ी बेचने आई हूँ मैं तो यहाँ गांव में डोल डोल के थक गई पर कोई ने भी मुझसे चूड़ी ना खरीदी पर आप तो मोए ही खिलो ना समझ रही तो सुने जी कि घट बड़ा समझे ना तुम्हें कहा दर्श हो कछु मेरे कपट अरे किशोरी जू तो उत्सुक हृदय की हूँ कपट तो जानू ही ना अच्छे अच्छे लोगों से ही मिलूं कपटिन लोगों से तो दूर ही रहूं और ऐसे कपटिन लोगों को तो मैं दूर से ही नमस्कार करूं ठीक है सखी चल फिर चूड़ी दिखा आउरी निकट तो देखो बदन निहार आउरी निकट तो देखो बदन निहार आओ आउरी निकट तो देखो बदन जी देखो किशोरी जू हरे हरे रंग की चूड़ियां
अरे जे तो लाल वारी तो देखो या में तो नगीना भी जड़ो है। नहीं नहीं। अरे ये वारी तो देखो। नहीं नहीं। जे वारी। नहीं नहीं। जे वारी। नहीं नहीं। नेक दिखाना तो जे देखो या मैं तो पढ़ाई कम है या ना ही पसंद ना ही पसंद मर एक आपकी बेग बेवारी नेक सही ते बोल नहीं ते बाहर निकाल दूंगी जाते अजी अजी ना 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 चूड़ी हरी नाए तेनु चूड़ी लाल नाए तेनु चूड़ी हरी नाए हाँ चूड़ी हरी नाए तेनु चूड़ी लाल नाए तेनु चूड़ी हरी नाए मारे श्याम रंग है भाया श्याम मैं पहराऊं तत्काल सखी श्याम रंग की चूड़ी पहरा चूड़ी अनोखी देख के प्यारी मन मुस्काए गुणन प्रकट कर सांवरी दीनी भुजा जब ही करसो कर गयो गयो मदन अति जो तनगत वे पथ जान के मेरा खलियो मनमान। देखिए सखी सभी लोग देखिए ध्यान से हमारी श्रीजी इतनी करुणामयी है इतनी करुणामयी है कि स्वयं ठाकुर उनके अधीन है उनका स्पर्श मात्र पा लेने से वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। ऐसी करुणामयी सरकार कहीं नहीं है। बोले श्री करुणामयी सरकार की जय। अरे सखियों देखो ये मनिहारन को कहा है गयो। अरे मनिहारन कहा है गयो तो को अरे मनिहारन हे किशोरी जी ये कोई चूड़ी वूड़ी बेग बेवारी ना है। अरे ओ मनिहारन चेत कर चेत कर। अरे ये देखो किशोरी जू मैं आपसे कही ना कि ये कोई चूड़ी उड़ी बेग बेवारी ना है ये तो वही नंद गांव वालों श्याम सुंदर है श्याम सुंदर। वारे श्याम सुंदर अच्छे पैदा के यशोदा मैया ने हर समय बनते ही रहो कबहू मनिहारन बन जाओ कबहू गोप देवी बन जाओ कबहू कुछ कबहू कुछ। और श्याम सुंदर हर समय बनते ही रहे कबू चैन से बैठे भी हो। अरे सखी तो एक काम बताऊं अपनी किशोरी जी के दर्शन के बिना व्याकुल है जाऊं मैं मोरी प्राण प्यारी के दर्शन के बिना मेरो मन लागे ही ना है। पर
हम सब सखियन को तो सुख मिले है। तो भैया बंसी मिल गए, बोल बंसी चोर राधा रानी की। परम गुनी नानंद सुता मैं देखूं तक तो अहो प्रिया प्रियतम बिना ऐसो प्रेम न हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए युगल सिंहासन विराजे। Oh,
हरि बोल। सब लोग देखो हमारे ठाकुर जी आप लोग के लिए नाच रहे हैं, आप लोग हमारे ठाकुर जी के लिए नहीं नाचोगे? सब लोग खड़े हो जाओ थोड़ी थोड़ी देर के लिए। जय राधे 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 ने बड़े सुंदर ये जो लीला है गुरुजी को बहुत ही प्यारा था, क्योंकि ये कृष्ण कौन है? ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन मालिक होते हुए भी ब्रज गोपियों के प्रेम में ठाकुर जी ऐसे उनके प्रेम में मुग्ध। आप लोगों ने देखा राधा रानी को स्पर्श करते ही कृष्ण स्वयं बेहोश हो जाते हैं, ऐसे भगवान ब्रज गोपियों के प्रेम में वशीभूत है। इसलिए ठाकुर जी जब गुरु जी रहते थे ये लीला को गुरु जी भी गिरिराज गोवर्धन में वृंदावन में गुरुदेव भी ऐसे लीलाओं को कराया करते थे। इसलिए गुरु तो नित्य है गुरुदेव, जरूर गुरुदेव ही इनकी लीलाओं को देख कर गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। जगन्नाथ जी को ये प्यारा है क्योंकि ठाकुर जी जगन्नाथ जी की लीला है। इसलिए मैं गुरु जी को और ठाकुर जी को चरण में प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव इनको भक्ति दे प्रेम दे और ये खूब भजन करें, और इनको जो पिता माता हैं ये लोगों की बच्चों को बड़ी उत्सव मेहनत करवाए। बोलो इनकी जितने माता है ये लोग भी सबके सब आए और बहुत मेहनत किए हैं, और ये बच्चों लोग भी देखो कितने सुंदर इन लोगों ने लीला की। ऐसे नहीं लग रहा था जैसे इन लोगों ने कहीं नया किया, जैसे प्रोफेशनल करते हैं ऐसे किए। जोर से ताली बजा। और तुम लोगों को सिखाया गया ना ये लीला को हम बीच बीच में कराया करेंगे, ठीक है ना? बीच बीच में कराया करेंगे जब हमारे सब वैष्णव लोग वृंदावन से आएंगे
उनका सामने भी ये लीला करनी। अभी कुछ दिन बाद में प्रभुपाद का भी तिथि आ रहा है, तीन तारीख को आप लोग आज जैसे आए हो, 3 तारीख हमारे जो परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद इनका भी तिरुवंगार तिथि है, उस दिन भी हम कुछ ना कुछ उनको लीला करेंगे। और 7 तारीख को हमारे जो गुरुदेव भक्ति वेदांत सिद्धांत नारायण गोस्वामी महाराज और बावन गोस्वामी महाराज इनका भी दोनों का ही तिथि है 7 तारीख को। जैसे आज आप लोग आए हो उसी दिन भी आप लोग आना, हम लोग उसी दिन भी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ लीला करवाने के लिए। इसलिए इन बच्चों को ठाकुर जी खूब आशीर्वाद दे, कृपा दे, इनकी भक्ति हो। और ये जो जितने बच्चे हैं ये सब के सब माला करने वाले हैं, मंदिर में पिता माता भी आते हैं और ये बच्चे भी मंदिर में ये बच्चे भी आते हैं। इसलिए गुरुदेव को आप सादा जो सकते हैं 20,000 बंदे की अभी फिर 20 में बैठ जाओ, बस एक बार ऐसे छोड़ दो, नहीं अभी आप बीच आसन धरी तो जाएं, ठीक है, एक बार मेरे को माइक दे, माइक नीचे रखो, सब पास पास हो गुरुदेव के, दो दो खींच में खींच क्लियर। महाराज नहीं अभी लिया, ताली बजाते रहे सब, क्या बजाते रहो, आसन को और लाइन करके बैठ गया प्रसाद के लिए। ले हमारे दो जन लेवी था, इनका भी ध्यान करें आप, इनके लिए भी ताली बजाए, हमारे सुदाम प्रभु और हमारे बलराम प्रभु।